गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप लोग? सब कुछ ठीक ठाक? अभी रेनफॉल हुआ, बारिश हुई ना थोड़ी बहुत, या मतलब ठीक ठाक? ठीक ठाक। तो कुल मिला के ये है कि मुझे ये लगा कि बारिश का बहाना भी है, तो क्यों ना हम इस बहाने के साथ साथ में ये भी जान लें कि ये जो बारिश हुई है, ये जो रेनफॉल हुआ है, उसके पीछे का कारण क्या है। ठीक है, या इस तरह की वर्षा जो इंडिया में होती है विंटर्स के टाइम पर, वो क्यों होती है? अगर इस मसले को जानना है तो हमें बहुत सारी अन्य बातों को भी जानना होगा। हमें ये भी जानना होगा कि विंटर्स में ही नहीं, समर्स में भी अगर रेनफॉल होता है तो क्यों होता है। बहुत तरह के रीजंस हैं इसमें। कुल मिलाकर के अगर हम बात करें तो इन सभी मुद्दों को हल करने के लिए, समझने के लिए जो हम लोगों का टॉपिक है वो क्या है? मॉनसून। सीधा सीधा एक शब्द में हमने लिखा मॉनसून, है ना? और मैं ये अपेक्षा करूंगा कि एक मैं प्रश्न बोलूंगा, उसको आप लिखेंगे। एक ही प्रश्न अभी फिलहाल हम लोग चर्चा करेंगे, लास्ट में जाकर के कई सारे प्रश्नों पे हम लोग चर्चा कर लेंगे इस पे, है ना? तो एक प्रश्न लिख लें प्लीज, कि मॉनसून की उत्पत्ति से संबंधित, मॉनसून की उत्पत्ति से संबंधित जेट स्ट्रीम सिद्धांत, मॉनसून की उत्पत्ति से संबंधित जेट स्ट्रीम सिद्धांत पर चर्चा करें। मॉनसून की उत्पत्ति से संबंधित जेट स्ट्रीम सिद्धांत पर चर्चा करें। ठीक है, एक ही प्रश्न ना, बिल्कुल सामान्य सा हम लोग बात करेंगे प्रश्नों के उस पर ना, टॉपिक पे जाने के बाद में, उसको कंप्लीट करने के बाद में हम लोग इस पर आगे बात करेंगे। देखें, बेसिकली मॉनसून में हम लोग पहले तो जान लें इसका अप्रोच सिनॉप्सिस क्या होगा। अप्रोच सिनॉप्सिस का मतलब ये है कि किसी भी टॉपिक को अगर हमें जानना है तो उस टॉपिक के कितने उपागम हो सकते हैं, कितने पहलू हो सकते हैं। तो मॉनसून से रिलेटेड पहलुओं में सबसे पहले तो हमें इसका परिचय देखना होगा। यहाँ पर परिचय के लिए हम लोग एक और शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, वो है भूमिका। द सेकेंड वन इज कि हमें यह जानना है कि मॉनसून की उत्पत्ति से संबंधित दिए गए सिद्धांत, दिए गए सिद्धांत। और लास्ट में हम लोगों को देखना है यहां मॉनसून एवं एल नीनो, फिर मॉनसून का प्रभाव, और लास्ट में हमें देखना है क्या, एक कंक्लूजन ड्रॉ करना है, निष्कर्ष ड्रॉ करना है। देखिए, इंट्रोडक्शन में हमें ये जानना है कि ये जो मॉनसून है, ये मॉनसून आखिर होता क्या है, इसका मतलब क्या है। अगर आप किताबों में जाएंगे तो किताबों में बड़ा सीधा सीधा अक्षरों में लिखता है, सीधा एक लाइन आपको मिलेगा कि मॉनसून शब्द अरबी शब्द मौसम से बना है, जिसका मतलब होता है ऋतु। ठीक है, लेकिन इस तरह के शब्दों का प्रयोग पूरी तरह से करना ये सही नहीं है। वजह क्या है, क्योंकि इस लेवल पे आकर के हमें कुछ नई बातों को भी डालना होगा जो लॉजिकल हो। बेसिकली है क्या कि मॉनसून जो है ये एक प्रकार की आवर्ती पवन है। मॉनसून एक प्रकार की आवर्ती पवन है। अब यहां पर आवर्ती जो शब्द है ये हो सकता है हमारे लिए नया हो, इसलिए इसे हम इंग्लिश में जान लें। आवर्ती को इंग्लिश में प्रोग्रेसिव बोलते हैं। ठीक है, अब अगर हम देखें तो मॉनसून एक प्रकार की आवर्ती पवन है। आवर्ती का मतलब प्रोग्रेसिव, और प्रोग्रेसिव पवन वही होगी या वही व्यक्ति, वही समाज प्रोग्रेसिव होगा जो समय के साथ साथ खुद में क्या कर ले, परिवर्तन कर ले। जैसा टाइम चेंज होगा, टाइम के अकॉर्डिंगली खुद में भी क्या कर लें, परिवर्तन कर लें। इसका मतलब यह हुआ कि आवर्ती पवने वे पवने हैं जो या जिनकी दिशा में परिवर्तन ऋतु परिवर्तन के अनुरूप होता है। ठीक है,
इसका मतलब ये है कि अगर मॉनसून विंड कहीं पर फ्लो हो रहा है, मॉनसून पवनें चल रही हैं, तो उन मॉनसून पवनों की दिशा पूरे वर्ष एक समान नहीं होगी, क्योंकि पूरे वर्ष में जो ऋतु होती है वो एक समान नहीं होती। जैसे ही ऋतु में परिवर्तन आएगा, जैसे ही सीजन में चेंजेस आएंगे, वैसे ही इन मॉनसूनी पवनों की दिशा में भी क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। तो इंट्रोडक्शन में हमें मॉनसून के बारे में इतना पता चला कि मॉनसूनी पवनें एक प्रकार की आवर्ती पवनें हैं, और आवर्ती पवनें वे पवनें होती हैं जिनकी दिशा में परिवर्तन ऋतु परिवर्तन के अनुरूप हो जाता है। दूसरी बात यह है, इसमें इंट्रोडक्शन में ही हमें जानना है, सामान्यतः जो हम लोग बात करते हैं ना, जैसे मॉनसून टर्म आया, हमारे दिमाग में सिर्फ एक बात आती है, और वो क्या, इंडियन मॉनसून या दक्षिण एशियाई मॉनसून, है ना, या हम टर्म यूज करते हैं एशियाई मॉनसून। वास्तव में जो मॉनसूनी पवने हैं, ऐसा है कि जो अपनी दिशा में परिवर्तन कर लें, तो ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ और सिर्फ एशिया में ही ऋतु परिवर्तन के अनुसार पवने अपनी दिशा में परिवर्तन कर लेंगी, ऐसा तो बिल्कुल संभव नहीं है। है क्या कि जो मॉनसूनी पवने हैं, ये मॉनसूनी पवने ये कहां कहां पर पाई जाती हैं? पहला, एक तो दक्षिण पूर्वी यूएसए में, दूसरा पूर्वी अफ्रीका में, और मेडागास्कर में, और पश्चिमी अफ्रीका में भी इनका प्रभाव पाया जाता है, पश्चिमी अफ्रीका में। लेकिन पश्चिमी अफ्रीका में कहाँ पे, सर्टन एरिया है गिनी तट प्रदेश में। इतना ही नहीं, जो कैरिबियन द्वीप समूह है, जो कैरिबियन द्वीप समूह है, इन कैरिबियन द्वीप समूह में भी मानसूनी पवनों का प्रभाव पाया जाता है। इसके साथ साथ में उत्तरी ऑस्ट्रेलिया में भी इसका प्रभाव पाया जाता है। लेकिन है क्या, इन सबको अगर हम एक साथ देखें कि दक्षिण पूर्वी यूएसए में, पूर्वी अफ्रीका और मेडागास्कर में, पश्चिमी अफ्रीका में गिनी के तटीय प्रदेश में, कैरिबियन द्वीप समूह क्षेत्र में, और उत्तरी ऑस्ट्रेलिया क्षेत्र में, लेकिन है क्या, इसके साथ में एक बवाल है। बवाल ये है कि हम बोल सकते हैं, लेकिन जो मॉनसूनी पवने हैं, इन मॉनसूनी पवनों का जो आदर्श प्रभाव होता है, इनका आदर्श प्रभाव उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में, महाद्वीपों के पूर्वी भाग में होता है। देखें, अभी तक हम लोगों ने ना तो दक्षिण एशियाई मानसून शब्द यूज किया और ना ही भारतीय मानसून टर्म का यूज किया। अभी हमने बस इतना जाना कि ये जो मानसूनी पवने हैं, इन मानसूनी पवनों का प्रभाव दक्षिण पूर्वी यूएसए में पाया जाता है, पूर्वी अफ्रीका में मेडागास्कर में, पश्चिमी अफ्रीका में गिनी के तट प्रदेश में। लेकिन जो मानसूनी पवनों का आदर्श प्रभाव होता है, ये उष्णकटिबंधीय प्रदेश में महाद्वीपों के पूर्वी भाग में पाया जाता है। यहां पर यह देखा गया कि साथ ही एशिया के जो दक्षिणी भाग हैं, इस एशिया के दक्षिणी भाग, या हम बोल सकते हैं इसको अथवा दक्षिण एशिया, इस दक्षिण एशिया में मॉनसूनी पवनों का आदर्श विकास होता है। इतनी बात हमको निकल करके आई, कैसे होता है, क्यों होता है, इस पर तो हम लोग चर्चा करेंगे ही। फिलहाल हमें यह पता चला कि इन क्षेत्रों में मॉनसूनी पवनों का प्रभाव पाया जाता है, लेकिन यह देखा गया कि सामान्यतः मॉनसूनी पवनों का जो आदर्श प्रभाव होता है, यह उष्ण कटिबंधीय प्रदेश में महाद्वीपों के पूर्वी भाग पर होता है। ऐसे कंडीशन में यह पाया गया कि दक्षिण एशिया में, या एशिया के दक्षिणी भाग या दक्षिण एशिया में, इन मॉनसूनी पवनों का आदर्श विकास होता है। अब ये बात हम लोगों को पता होना चाहिए कि जो दक्षिण एशिया है, इस दक्षिण एशिया के केंद्र भाग में कौन है, भारतीय उप
महाद्वीप। अब एक बात हमें समझना होगा ना कि जब हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, जब हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात करते हैं, तो क्या हम राजनैतिक रूप से सिर्फ भारत की बात कर रहे हैं? सिर्फ भारत की तो बात नहीं कर रहे हैं ना। आप एनसीईआरटी में पढ़ोगे तो एनसीईआरटी में आपको मिलेगा कि लगभग लगभग सारे के सारे दक्षिण एशियाई देशों को भारतीय उपमहाद्वीप में शामिल किया जाता है। हाँ, आप एनसीईआरटी को पढ़िएगा तो वहां दो चीजों को नहीं शामिल किया गया है। किसको किसको? एक तो लक्षद्वीप को और दूसरा श्रीलंका को। लेकिन वर्तमान के जो राजनैतिक विश्लेषक हैं उनका यह मानना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लगभग सारे के सारे या जितने भी दक्षिण एशियाई देश हैं उन सभी को शामिल किया जाता है। तो फिलहाल हमारे पास में इतनी जानकारी आ गई कि इन मानसूनी पवनों का आदर्श विकास दक्षिण एशिया में होता है और दक्षिण एशिया के केंद्र भाग में अवस्थित है भारतीय उपमहाद्वीप, जहां भारत जो है ये भारत इसके कहां है? केंद्र में है। इसीलिए इन पवनों को भारतीय मानसून की संज्ञा भी दी जाती है। इतनी बातें हम लोगों ने इंट्रोडक्शन में समझा, लेकिन हमें एक बात और जान लेना होगा कि जब हमको लिखना होगा राइटिंग स्किल में, तो क्या जरूरी है कि ये सारा का सारा लिखने का स्कोप हो आपके पास? ये तो जरूरी नहीं है। ये डिपेंड करता है कि प्रश्न का नेचर कैसा है। लेकिन क्लासरूम प्रोग्राम में और आंसर राइटिंग प्रोग्राम में डिफरेंस होता है। क्लासरूम प्रोग्राम में हमारा उद्देश्य होता है कि टॉपिक को हम इस कदर समझ लें कि हमसे कहीं से पूछा जाए, किसी भी तरीके से पूछा जाए, हम उसको हल करने में सक्षम हो। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में फिलहाल हमारे पास में इतनी जानकारी आई कि मानसूनी पवने जो हैं ये इन क्षेत्रों में पाई जाती हैं, साथ ही साथ में दक्षिण एशियाई भाग में इनका आदर्श विकास होता है। ठीक है ना। अब देखें, ये बात हो गया किसमें? इंट्रोडक्शन में। इतनी बातों को हम लोगों ने जान लिया परिचय में। अब क्योंकि जो मानसूनी पवने हैं, एक बात हमें और यहां पर समझ लेना है कि मानसूनी पवने ये वायुमंडलीय परिसंचरण से ही संबंधित है। हम एक सीधा सीधा बात जान लें कि वायुमंडलीय परिसंचरण क्या होता है, कि जब पवनों का या वायु का, यहां पवन और वायु दो शब्द हमने यूज किया है, उसके पीछे का कारण यह है कि पवन वे होते हैं जो कैसे चलते हैं? क्षैतिज चलते हैं। और वायु वे होते हैं जो कैसे चलते हैं? ऊर्ध्वाधर चलते हैं। तो जब भी मानसून हो या जेट स्ट्रीम हो, हम किसी की भी बात करें, इनमें ये विशेषताएं पाई जाती हैं कि कुछ क्षैतिज भी चल रहे होते हैं, कुछ ऊर्ध्वाधर चल रहे होते हैं। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर दोनों को मिला करके एक टर्म हम यूज करेंगे, वो है वायुमंडलीय परिसंचरण, एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। ये वायुमंडलीय परिसंचरण क्या है कि हवाओं का क्षैतिज एवं ऊर्ध्वाधर प्रवाह, जिसमें ऊष्मा का एक स्थान से दूसरे स्थान पर स्थानांतरण होता है और ऊष्मा के स्थानांतरण से अक्षांशीय तापीय संतुलन होने के साथ साथ में मौसमी परिवर्तन भी होता है। इतनी बात हमें समझ में आ गई कि जब ही जो विंड ब्लोज होएगा, हवाएं चलेंगी, तो एनर्जी भी एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होगी, और एनर्जी जब ट्रांसफर होगी तो उस जगह पर अक्षांशीय तापीय संतुलन होगा। अक्षांशीय तापीय संतुलन का मतलब कि जहां जिस अक्षांश पर जितना टेम्परेचर होना चाहिए उतना टेम्परेचर सिर्फ सूर्य तक की प्राप्ति की वजह से नहीं होता, हवाओं के द्वारा भी ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। अक्षांशीय तापीय संतुलन होने के साथ साथ में मौसमी परिवर्तन जैसी घटनाएं भी घटित होती हैं। ऐसे कंडीशन में अगर हम देखें तो ऊष्मा का स्थानांतरण व्यापारिक पवने भी करेंगी, पछुआ पवने भी करेंगी, मानसूनी पवने भी करेंगी, जेट धाराएं भी करेंगी, स्थानीय पवने भी करेंगी, तो बड़ा हौच पौच हो गया, बड़ा घालमेल टाइप का हो गया। इस घालमेल से बचने के लिए यह किया गया कि वायुमंडलीय परिसंचरण या एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन का कर दिया गया वर्गीकरण, और इसका वर्गीकरण किया गया तीन भागों में। कौन कौन सा? एक को कहा गया प्राथमिक, एक को कहा गया द्वितीयक वायुमंडलीय परिसंचरण, और एक को कहा गया टर्सरी या तृतीयक वायुमंडलीय परिसंचरण। जो प्राथमिक वायुमंडलीय परिसंचरण में रखा गया, इसमें रखा गया भूमंडलीय पवने और जेट स्ट्रीम को। द्वितीयक में क्या रखा गया? एक तो चक्रवात को, एक रखा गया प्रति
चक्रवात को और एक रखा गया किसको, मॉनसून को, और तृतीयक में रखा गया किसको, स्थानीय पवने। अब देखें, ये जानने का उद्देश्य ये था हमारा कि कॉन्सेप्चुअल डेवलपमेंट हम करने के साथ साथ में ये बात भी जान लें कि जो मॉनसूनी पवने हैं वो वायुमंडलीय परिसंचरण के वर्गीकरण में कहां पर रखी गई हैं। तो ये भी हमारा किसका पार्ट हो जाएगा, इंट्रोडक्शन का पार्ट हो जाएगा। तो इंट्रोडक्शन में जितनी बातों को हमने जाना, उन बातों के साथ साथ में हमें एक बात और जानना लेना है, वो ये कि जो मॉनसूनी पवने हैं, ये मॉनसूनी पवने ये द्वितीयक वायुमंडलीय परिसंचरण के अंतर्गत आती हैं, ठीक है ना, कि मॉनसूनी पवने द्वितीयक वायुमंडलीय परिसंचरण के अंतर्गत आती हैं, जिसके प्रभावाधीन, इसका इंपैक्ट क्या होता है, जिसके प्रभावाधीन भौतिक एवं जैविक घटकों की विशेषताएं प्रभावित हो जाती हैं, ठीक है ना, अफेक्टेड होती है। देखें यहां ना, हम बहुत ओपन नहीं कर सकते इंट्रोडक्शन में, इंट्रो में हमने ये बात कर लिया, इसको, इस बात को लिखने का कुछ उद्देश्य है क्या, कि मॉनसूनी पवने जो द्वितीयक वायुमंडलीय परिसंचरण के अंतर्गत आती हैं और इसके प्रभावाधीन भौतिक और जैविक घटकों की विशेषताएं प्रभावित होती हैं, अतः इन मॉनसूनी पवनों का अध्ययन क्या हो जाता है, अपरिहार्य हो जाता है। इतनी बात क्लियर है ना, कि एक ये भी तो प्रश्न हमारे मन में आना चाहिए ना, कि ठीक है मॉनसूनी पवनों के बारे में हम बात करें, हम मॉनसून को समझ लें, लेकिन क्यों समझ लें, उसको जान लेने के पीछे क्या कोई वजह है, उसको जानने का कोई कारण है। तो उसका सीधा सीधा लॉजिक ये है कि मॉनसूनी पवने इस पृथ्वी पर जिन क्षेत्रों में ये प्रभावी होती हैं, वहां के भौतिक के साथ साथ में जैविक घटकों की विशेषताओं को भी प्रभावित करती हैं, इसीलिए इन मॉनसूनी पवनों का अध्ययन हमारे लिए अपरिहार्य हो जाता है। अब अगला, ये हमने बात कर लिया क्या, इंट्रोडक्शन का। इंट्रोडक्शन के बाद में जब हम मेन कोर्स में एंटर करें, हमारा तरीका ये होना चाहिए कि मेन कोर्स में पहुंचने से पहले इंट्रोडक्शन में कोई ऐसी बात जरूर आ जानी चाहिए कि एक झलक दिख जाए हमको कि कुछ ऐसा होने वाला है। तरीका तो यही है, है ना। तो जब हम ये बात कर रहे हैं कि अतः मॉनसूनी पवनों का अध्ययन अपरिहार्य है, हम बोल सकते हैं कि जहां इन मॉनसूनी पवनों की उत्पत्ति और विकास, देखें इनका डेवलपमेंट भी होता है, उत्पत्ति एवं विकास, अथवा हम एक और टर्म का यूज कर सकते हैं कि जहां मॉनसूनी पवनों की उत्पत्ति एवं विकास अथवा इनकी क्रियाविधि को समझने हेतु विभिन्न प्रकार के या विभिन्न प्रकार की संकल्पनाएं हैं, है ना। मतलब देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कॉन्सेप्ट्स, कई तरह की संकल्पनाएं हैं इन मॉनसूनी पवनों की क्रियाविधि को समझने के लिए हमारे लिए क्या जरूरी है। अब जैसा हम लोगों ने टॉपिक सिनॉप्सिस में किया था कि इंट्रोडक्शन में ही हम लोगों ने ऐसी बात को लिख दिया कि सीधा सीधा ये जाहिर हो गया कि अब हमें किस पे आना है, इसकी उत्पत्ति से संबंधित दिए गए सिद्धांत। तो इंट्रोडक्शन के साथ में नेक्स्ट जो हमारा मसला है वो ये है कि हमें जानना है कि मॉनसूनी पवनों की उत्पत्ति से संबंधित दिए गए सिद्धांत कौन कौन से हैं, है ना। यहां पे हमें इसकी उत्पत्ति से संबंधित दिए गए सिद्धांत, इन सिद्धांतों में बेसिकली हमें दो तरह के सिद्धांतों पर बात करना है सामान्य अध्ययन के दृष्टिकोण से। वैकल्पिक विषय में थोड़ा सा ये मसले बढ़ जाते हैं, है ना, क्योंकि वहां सैद्धांतिक मुद्दों को ज्यादा चर्चा करना होता है। एक है जिसको बोलते हैं चिर सम्मत, कुछ अजीब नाम नहीं लग रहा है ये, चिर सम्मत,
चिरसम्मत का मतलब समझते हैं, चिरसम्मत को इंग्लिश में बोलते हैं क्या, क्लासिकल, चिरसम्मत सिद्धांत। और इस चिरसम्मत सिद्धांत को एक और नाम दिया गया है और वो है क्या, थर्मल कॉन्सेप्ट, बोले तो तापीय सिद्धांत या तापीय संकल्पना। ठीक है, किसी भी सिद्धांत को समझने के लिए कुछ बेसिक बातें होती हैं, अगर हम वो जान जाएं तो सिद्धांत को समझ लेना हमारे लिए बहुत ही आसान हो जाएगा। इसीलिए हम लोग इस चिरसम्मत सिद्धांत या तापीय संकल्पना को जानने के पहले कुछ बेसिक मुद्दों को जानेंगे, कुछ आधारभूत बातें हैं जिनको हम लोग पहले समझ लें, है ना। ठीक है, बेसिक मसले में ये देखा, आप लोगों ने सिनेमा वगैरह देखा ही होगा, गाना भी सुने होंगे, एक गाना सुना होगा कि पंछी नदियां पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें, ये सही बात है। तो क्या सिर्फ पंछी नदियां और पवन के झोंके ही हैं या कुछ और भी है? मन है, जैसे यहां बैठे हुए हैं, हमारा मन कर रहा है कि हम चले जाएं ऑस्ट्रेलिया, हम चले जाएंगे, रोक ही नहीं पाओगे। आपका बैठे यहां पे हो, मन कर रहा है कि कहीं बाहर इंतजार कोई कर रहा हो, है ना, मौसम का तकाजा देखते हुए, तो आपका मन है, आप चले जाओगे, आपको कोई रोक नहीं सकता है, लेकिन मन से ही जाओगे, स्थूल शरीर लेकर के नहीं जा सकते, है ना। तो ऐसे में ये जो हम लोग बात कर रहे हैं कि पंछी नदियां और पवन के झोंके, कोई सराहद ना इन्हें रोके, पवन हमारा यहां पे पंछी नदियां और पवन में किससे संबंध है, फिलहाल पवन से। तो इन पवनों को चलने के लिए, अगर पवनें चल रही हैं तो उन पवनों के चलने के लिए कोई आदर्श दशा होगी, कोई ना कोई आदर्श दशा होगी। यहां इस बेसिक मसले में हम लोग इसको क्लासिफाई करके देखेंगे। पहला मुद्दा यह है कि पवनें सदैव उच्च वायुदाब से किधर की ओर, निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती हैं। विंड्स ऑलवेज ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, पवने हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। एक बात तो ये, दूसरा बेसिक मसला हमारे लिए ये है ना कि जैसे, अच्छा इस मुद्दे को समझने के लिए हमें एक बात जानना होगा कि गर्मियों के टाइम पर, समर्स के टाइम पर कभी घड़े का पानी पिए हैं, पिया ही होगा। जो घड़े में रखा हुआ पानी होता है, अगर आपके पास घड़ा है, घड़े में आपने पता चला कि 8 AM पर पानी भरा और 8 AM पर इतना पानी भरा, ठीक है ना, और आप कमरे से बाहर चले गए और रात को वापस गए 8 PM पर, 8 PM ये टाइम ही है, कुछ और नहीं सोचना है, किसी और ब्रांड के बारे में नहीं विचार करना है, 8 PM बेसिकली टाइम की ही हम बात कर रहे हैं, ठीक है। जो 8 AM के बाद आप लौट कर 8 PM पे गए, तो अमाउंट ऑफ वाटर, जो पानी की मात्रा है, उतनी ही होगी जितना आपने घड़े में रखा था, या उससे बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी, कम हो जाएगी। कम होने का कारण क्या है कि यहां पर इसका हुआ वाष्पीकरण, इवापोरेशन, पहली बात। दूसरा, जब आपने घड़े में पानी डाला था, उस टाइम पर पानी का टेम्परेचर जितना था, जब आप 8 PM पर वापस गए तो तापमान उतना ही होगा या पानी थोड़ा ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा। इसका मतलब यह है कि अगर इस घड़े में रखे हुए जल का, इस पानी का क्या किया जाए, वाष्पीकरण किया जाए, तो इस वाष्पीकरण से क्या होगा कि इस जल के तापमान में क्या आ जाएगी, तापमान में कमी आ जाएगी। और जब ही तापमान में कमी आ जाएगी, तो अब यहां पर एक बात हम और जान लें कि ऐसे में विदित है कि, यह हमें पता होना चाहिए, विदित है कि टेम्परेचर और प्रेशर में कैसा रिलेशन होता है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यह हमेशा नहीं होता, यह भी जान लीजिएगा। ऐसी भी प्रक्रिया है जिसमें तापमान भी बढ़ता है और दाब भी बढ़ता है, लेकिन यहां पर क्या है, क्योंकि वाह स्रोत से ऊर्जा ली गई है, आउटर सोर्स से एनर्जी ली गई है, तो टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम होगा, और अगर टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर बढ़ जाएगा। तो अगला मसला हमें यह जान लेना है कि अगर हम बात करें दो ऋतु की, है ना, एक हम बात करें ग्रीष्म ऋतु की और एक हम बात कर लें शीत ऋतु, और यही मुद्दा बेसिकली थर्मल कॉन्सेप्ट में आएगा। हमें यह जान लेना है कि ग्रीष्म ऋतु के टाइम पर एक जलीय भाग है और एक स्थलीय भाग है। इस गर्मियों के टाइम पर इस जलीय भाग को जो सूर्यातप की प्राप्ति है,
ये सूर्य तप की प्राप्ति ये अपेक्षाकृत अधिक होगी, तो इसके कारण से यहां पर वाष्पीकरण भी क्या होगा, अधिक होगा। और क्योंकि वाष्पीकरण, ये जो इवापोरेशन है, ये किसकी प्रक्रिया है, ये शीतलन की प्रक्रिया है, इस शीतलन की प्रक्रिया के होने के कारण ही इस जलीय सतह का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा क्या, हाई प्रेशर। जबकि स्थलीय भाग पर इस ग्रीष्म ऋतु में सूर्य तप की प्राप्ति उतनी ही जितनी जलीय भाग को हो रही है, अगर एक ही अक्षांशीय प्रदेश में है तो उसी मात्रा में जब ही इसको सूर्य तप की प्राप्ति होगी तो इसका जो टेम्परेचर होगा वो अधिक हो जाएगा और इसका प्रेशर कम हो जाएगा। और इस शीत ऋतु के समय जो दशा है ये बिल्कुल क्या हो जाएगी, बिल्कुल विपरीत हो जाएगी, क्योंकि गर्म सर्दियों के टाइम पर जो सूर्य तप है इस सूर्य तप की प्राप्ति अपेक्षाकृत कम होगी, तो वाष्पीकरण भी अपेक्षाकृत कम होगा, तो शीतलन की प्रक्रिया, जो प्रोसेस ऑफ कूलिंग है, ये शीतलन की प्रक्रिया भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो इसका टेम्परेचर अपेक्षाकृत अधिक होगा और यहां बनेगा लो प्रेशर, जबकि स्थलीय भागों पर क्या बनेगा, हाई प्रेशर। ये दो मसले ऐसे हैं जिनको हम लोगों ने बेसिक्स में जानना है थर्मल कॉन्सेप्ट को जानने से पहले। इसके अलावे हमको एक बात और जान लेना है और वो ये है दाब प्रवणता। एक टर्म है दाब प्रवणता जिसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट। ठीक है, दाब प्रवणता क्या होता है कि किन्हीं भी दो स्थानों के मध्य, एक प्लेस है ए और एक प्लेस है बी, इन दोनों स्थानों के मध्य किन्हीं भी दो स्थानों के मध्य जो वायु दाब में अंतर होता है, वायु दाब में अंतर होता है, यही क्या कहलाता है, दाब प्रवणता कहलाता है। अब हमें एक बात और जानना होगा कि ऐसे में प्रेशर ग्रेडियंट में मान लें कि यहां का जो प्रेशर है यह है 700 मिलीबार, 700 MB, और यहां का जो प्रेशर है वो है 400 मिलीबार, तो दोनों स्थानों में ए और बी में ए पर दबाव ज्यादा होगा और बी पर इसकी तुलना में दबाव कम होगा, क्योंकि यहां पर 400 मिलीबार का ही दबाव लग रहा है और यहां पर 700 मिलीबार का दबाव लग रहा है। तो अगर हम दोनों का कंपैरेटिव स्टडी करें, तुलनात्मक अध्ययन करेंगे, तो यहां पर बनेगा हाई प्रेशर और इसकी तुलना में यहां क्या बनेगा, लो प्रेशर। जैसा हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि विंड ऑलवेज ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, पवने हमेशा उच्च वायुदाब क्षेत्र से निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर चलती हैं, तो विंड्स चलेंगी इधर से इधर। ऐसे हम ये बोल सकते हैं कि यहां पर ये जो वायुदाब प्रवणता बल है जिसको हम बोलते हैं प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ये किधर से किधर हो जाएगा, ए से बी की ओर, और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स ए से बी की ओर है, इसीलिए इसीलिए जो पवने हैं ये पवने ए से बी की ओर चलेंगी। इसका मतलब क्या है कि वायुदाब प्रवणता बल जिस तरफ होगा पवनों का प्रवाह भी उसी तरफ होगा, ठीक है ना। और प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या है कि किन्हीं भी दो स्थानों के मध्य जो वायुदाब में अंतर होता है वही वायुदाब प्रवणता कहलाता है। ठीक है, ये बेसिक मसले हैं किसको जानने से पहले, चिर सम्मत या तापीय संकल्पना को जानने से पहले। अब हम लोग आ जाएं इस कॉन्सेप्ट पे, ये कॉन्सेप्ट आखिर है क्या। अच्छा, एक मसला और कि जो पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर, अपनी धुरी पर सीधी है या झुकी हुई है, झुकी हुई है लगभग 23.5 डिग्री या एग्जैक्ट 23.5 डिग्री, लगभग 23.5 डिग्री, ना सिर्फ अपने अक्ष पर झुकी हुई है बल्कि क्या कर रही है, घूर्णन भी कर रही है। अब ऐसे हम लोग समझ लें, देखें ये है अर्थ और ये अपने एक्सिस पर ऐसा टिल्ट है, टिल्ट होने के साथ साथ में ये ऐसा अपनी धुरी पर घूर्णन भी कर रही है, घूर्णन ही नहीं कर रही है, सूर्य की परिक्रमा भी कर रही है। ऐसे कारणों की वजह से क्या होता है कि पृथ्वी पर प्रत्येक स्थान पर,
पूरे वर्ष एक समान मात्रा में सूर्य तप की प्राप्ति नहीं होती, ठीक है। इसके लिए एक बात हम लोगों को बचपन में सिखाया गया होगा कि द सन राइजेज इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, ये सही बात है? बिल्कुल गलत बात है। ना तो सूर्य का उदय होता है और ना ही सूर्य का अस्त होता है। जितनी भी कलाएं कर रही है वो कौन कर रही है? पृथ्वी कर रही है। दूसरा क्या कि ये कहा जाता है कि आप देखेंगे ना कि लिखने में भी आप लिखते होंगे, कई बार लिखते भी होंगे कि सूर्य की लंबवत किरणों का उत्तर की ओर स्थानांतरण हुआ या सूर्य की लंबवत किरणों का दक्षिणायन होना, उत्तरायन होना, बिल्कुल गलत बात। यह हम आप लोगों से बोलेंगे कि ऐसे गंदे विचार मन में कभी मत लाइएगा। ना तो सूर्य की लंबवत किरणें उत्तर जाती हैं और ना ही दक्षिण की ओर जाती हैं, वो अपनी जगह पर ही हैं। किसकी वजह से यह सब हो रहा है? पृथ्वी की वजह से हो रहा है, क्योंकि अर्थ अपने एक्सिस पर झुकी हुई है, घूर्णन कर रही है और सूर्य की परिक्रमा कर रही है, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है। इसलिए कभी भी अगर ऐसा लिखने का मौका आएगा तो ऐसा बिल्कुल नहीं लिखेंगे कि सूर्य की लंबवत किरणों का स्थानांतरण, नहीं, वहां एक टर्म यूज करेंगे, क्या? कि सूर्य की लंबवत किरणों का कैसा स्थानांतरण? आभासी स्थानांतरण। अब पता चला कि एक ने लिखा कि सूर्य की लंबवत किरणों का स्थानांतरण और एक लिख रहा है कि सूर्य की लंबवत किरणों का आभासी स्थानांतरण, तो जो एग्जामिनर होगा जाहिर सी बात है किसको? आभासी वाले को ही ठीक ठाक मार्क्स देगा। तो ऐसे छोटी छोटी चीजों से बचना होगा हमको, ठीक है ना। तो ये बात भी हमको पता होना चाहिए कि सूर्य की लंबवत किरणों का जो आभासी स्थानांतरण होता है, इसी बेसिक वाले मसले में हम जान लें कि अर्थ जो है, अच्छा अगर हम पृथ्वी ऐसे बनाए तो ये सही है? बिल्कुल गलत डायग्राम है महाराज। इसको सही बनाने के लिए हम लोग कैसा बना सकते हैं? अगर हमको ऐसा ही बनाना है तो हम क्या कर दें? अब सही है, अब ये झुकी है, है ना, मतलब नहीं झुकी है लेकिन फिर भी हम लोगों ने डायग्राम में इसको क्या कर दिया? झुका दिया। यहां क्योंकि 23.5 डिग्री तक झुकी हुई है तो 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ, इसको बोलते हैं कर्क रेखा और इसको बोलते हैं मकर रेखा और ये है हमारा इक्वेटोरियल, बोले तो विषुवत रेखा, है ना। जो सूर्य की लंबवत किरणें हैं ये विषुवत रेखा से जब ही नॉर्थ की ओर इनका आभासी स्थानांतरण होता है तो नॉर्थ में ये मैक्सिमम जाते हैं कहां तक? कर्क रेखा तक। और जब इनका दक्षिण की ओर स्थानांतरण होता है तो यहां पर भी ये दक्षिण में मैक्सिमम आते हैं कहां? मकर रेखा तक। अगर हम लोग इतनी बातों को समझ लिए तो थर्मल कॉन्सेप्ट को समझना हमारे लिए कौन से हाथ का खेल होगा? और अगर कोई लेफ्ट हैंडर नहीं है तो या कोई दोनों हाथ से काम कर सकता है तो उसके दोनों हाथ का खेल होगा, है ना। लेकिन सच्चाई यह है कि उसके दिमाग के लिए यह बड़ा ही आसान खेल होगा, ठीक है। अब हमें बात करना है किसका? तापीय सिद्धांत के बारे में। देखें, सामान्य अध्ययन में क्या होता है ना कि ऐसे मुद्दों को चर्चा नहीं करना चाहिए, ठीक है ना, कि इस तापीय संकल्पना का प्रतिपादन किसने किया। लेकिन आजकल का टाइम पे जो प्रिलिम्स के क्वेश्चन हैं इनका कोई भरोसा नहीं है, है ना। वो चाहे सेंट्रल कमीशन हो आपका यूपीएससी या मान लीजिए आप स्टेट कमीशन में भी कभी आप अपीयर होते हैं तो वहाँ पर भी। इसीलिए हम लोग ये जान लें कि तापीय संकल्पना या तापीय सिद्धांत का जो प्रतिपादन है, इसका प्रतिपादन एक व्यक्ति है जिनका नाम है एडमंड हैली। इसका प्रतिपादन एडमंड हैली ने किया। अब देखें कब किया, इसको लेकर के अलग अलग किताबों में अलग अलग तरह के इंफॉर्मेशन हमको मिल जाते हैं, तो उस पर हमें नहीं जाना है कि आखिर मसला है क्या, ठीक है ना। देखें, तापीय संकल्पना में इन्होंने सीधा यह कहा कि मानसून पवनों की उत्पत्ति से संबंधित तापीय संकल्पना के अनुसार इन्होंने कहा कि ग्रीष्म ऋतु में, वही बात हमें फिर से समझनी है, और दूसरा इन्होंने कहा शीत ऋतु में, ठीक है। इन्होंने कहा कि ग्रीष्म ऋतु में क्या होता है कि सूर्य की लंबवत कैसी किरणें?
आभासी, सूर्य की लंबवत आभासी किरणों का स्थानांतरण ये विषुवत रेखा के किधर होगा, उत्तरायण होता है। इसका प्रभाव ये होता है कि भारतीय उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप के तापमान में वृद्धि होती है। देखें सामान्यतः क्या किया जाता है ना कि जब भी थर्मल कॉन्सेप्ट के बारे में बात किया जाता है तो बस इतना ही बात किया जाता है कि भारतीय उपमहाद्वीप के तापमान में वृद्धि होती है और यहाँ पर निम्न वायुदाब का विकास होता है जिससे सागरीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से पवने इस महाद्वीपीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर आकर्षित होती हैं और ऐसे में क्योंकि ये पवने उष्ण और आर्द्र होती हैं तो इन पवनों के यहाँ आने से वर्षा की प्राप्ति होती है, ऐसा बता दिया जाता है। जो कि इस सिद्धांत में ऐसा नहीं कहा गया बिल्कुल सीधा सीधा। इस सिद्धांत में ये कहा गया कि भारतीय उपमहाद्वीप के तापमान में वृद्धि होती है, साथ ही साथ इन्होंने बताया कि एशिया में बैकाल झील के निकटवर्ती प्रदेश, एक तो ये ठीक है ना। अच्छा, दूसरा जो हम नाम लेंगे यहां पर, जैसा हमारा सबसे बदमाश पड़ोसी कौन है, छोटा नाम नहीं लेना, ऐसा समझ लेंगे नाम नहीं लेना है, बस छोटा वाला जो है ना बदमाश है ना, तो उसके घर में कहां पे एक जगह है पेशावर, नाम सुना ही होगा, बहुत फेमस है, कुछ किताबों में मिलता है मुल्तान, पेशावर और मुल्तान। इन्होंने बताया थर्मल कॉन्सेप्ट में कि भारतीय उपमहाद्वीप के तापमान में वृद्धि होती है, साथ ही साथ में बैकाल झील, अब देखें इसलिए इसको अलग से लिखा गया क्योंकि बैकाल झील ये भारतीय उपमहाद्वीप के किधर है, नॉर्थ में हो जाता है, तो बैकाल झील के निकटवर्ती प्रदेश और पेशावर या मुल्तान, इन दोनों का नाम मिलता है, पेशावर और मुल्तान के निकटवर्ती प्रदेशों के तापमान में वृद्धि से यहां क्या बन जाता है, निम्न वायुदाब का विकास हो जाता है। एक तो ये बात घटना घटती है, दूसरा इसी ग्रीष्म ऋतु के टाइम पर जो हिंद महासागर है एवं जो पैसिफिक ओशियन है, इस प्रशांत महासागर के निकटवर्ती प्रदेश, इनके निकटवर्ती प्रदेश यानी पैसिफिक ओशियन का, इसका मतलब हमें एक बात समझ लेना है कि प्रशांत महासागर के निकटवर्ती प्रदेश, इसका मतलब कि प्रशांत महासागर का वह निकटवर्ती प्रदेश जो किसके निकट है, हिंद महासागर के निकट है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है, जो हिंद महासागर के निकट है। अभी देखें गर्मियों का टाइम होगा, अभी ग्रीष्म ऋतु की बात कर रहे हैं, इस ग्रीष्म ऋतु के टाइम पे हिंद महासागर और पैसिफिक ओशियन ये सागरीय भाग है, सूर्य तप की प्राप्ति गर्मियों में इनको अधिक होगी तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी अधिक होगी, तो शीतलन की प्रक्रिया भी अधिक होगी, तो हिंद महासागर के सतह और पैसिफिक ओशियन के प्रशांत महासागर के जो निकटवर्ती प्रदेश हैं, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं, उनके सतह के तापमान में कमी आ जाएगी और सतह के तापमान में कमी आने के कारण यहां उच्च वायुदाब का विकास हो जाएगा। और इस उच्च वायुदाब के विकास का कारण क्या है, इसका कारण है वाष्पीकरण की प्रक्रिया, इसमें तो कोई संदेह नहीं है हमको, ठीक है। अब इतनी घटना अगर घट गई तो इस घटना के साथ साथ में अब होगा क्या कि यहां पे जो ऐसा मान लें इधर में बैकाल झील वाला रीजन हमको कहां मिल जाएगा, बैकाल वाला झील वाला रीजन यहां हमको मिल जाएगा, ये है बैकाल झील, ठीक, इधर में पेशावर पाक वाला रीजन, इन वाले रीजन्स में बन जाएंगे क्या, लो प्रेशर, और इस जलीय भाग पर क्या बनेगा, हाई प्रेशर।
तो जैसा हम लोग बात कर चुके हैं कि विंड ऑलवेज ब्लोज फ्रॉम हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, तो ऐसे कंडीशन में जो ये पवने होंगी ये इस जलीय भाग से इस स्थलीय भागों की ओर आकर्षित होंगी और इनका ये उष्ण आद्र पवने जो जलीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से स्थलीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर प्रवाहित होंगी। ऐसे कंडीशन में रेनफॉल होगा क्यों, हमें यह भी समझ लेना है कि यहां पर जब ही ये पवने, अब हम इसको समझने के लिए एक दूसरे तरह का डायग्राम बना लें। कैसा? कि यहां हमने सपोज कर लिया ये जलीय भाग है और ये स्थलीय भाग है। इन दोनों में जो सागरीय तल है इसकी ऊंचाई सामान्यतः स्थलीय सतह से कम होती है। हाँ, ये बात अलग है कि कुछ जलीय तल ऐसे हैं, कुछ सागरीय तल ऐसे हैं जिनकी ऊंचाई बहुत सारे सतहों से भी क्या है, नीची है। जैसे लोलैंड कंट्रीज हैं जो नीदरलैंड, बेल्जियम और लग्जमबर्ग वाला एरिया है, तो हमें उस मसले पे नहीं जाना है। हमें बस इतना समझ लेना है कि जब ही ये पवने इधर की ओर आएंगी, ये पवने इधर की ओर आएंगी तो ये होंगी उष्ण और आद्र भी होंगी क्योंकि इनमें जलवाष्प है, और जैसे ये स्थलीय भाग की ओर चलेंगी तो इन पवनों की जो ऊंचाई है ये ऊंचाई बढ़ जाएगी। और जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती है तापमान कम होता जाता है, ऊंचाई बढ़ेगी स्थलीय भाग पर पहुंचने से तापमान कम होगा, और तापमान कम होने से जो इनकी सापेक्ष आर्द्रता है ये सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाएगी, और इस सापेक्ष आर्द्रता के बढ़ने से कौन सा प्रोसेस, संघनन होगा। और संघनन का मतलब क्या है, दो चीज़ें हैं, संघ का मतलब साथ आना और नन का मतलब बूंदें, जो वाटर ड्रॉप्स हैं वो साथ साथ में आ गई, और जब ही इनका संघनन होगा तो इससे क्या बनेगा, बादल। और अगर बादल बन गया तो हो सकता है, अगर ये बादल बना और ये बादल इतना भारी हो गया, इसका घनत्व इतना ज़्यादा हो गया कि अर्थ की ग्रेविटी ने इनको कहा कि नहीं, अब तुम्हें आगे नहीं जाना है, यहीं पर आ जाओ। और जब ही ये नीचे की ओर आएंगे तो जल के रूप में इनका स्थलीय भागों पर आगमन होता है, और इसी प्रक्रिया को बोलते हैं वर्षण। एडमंड हैली ने कहा कि ये जो सारा का सारा प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया को तापीय संकल्पना के अंतर्गत रखा जा सकता है। तो गर्मियों के टाइम पर इन्होंने ये कंडीशन बताया। अब विंटर्स के टाइम पर हम बिना डायग्राम के ऐसा समझ लें कि विंटर्स के टाइम पर जो कंडीशन होगा वो वही होगा जो समर्स के टाइम पे था, या उसका जस्ट ऑपोजिट, उसका बिल्कुल ऑपोजिट होगा। तो विंटर्स के टाइम पर बिल्कुल ऑपोजिट होने पे क्या है कि शीत ऋतु में, शीत ऋतु में कंडीशन क्या हो जाएगी कि सूर्य की लंबवत आभासी किरणों का स्थानांतरण ये विषुवत रेखा के दक्षिणायन होगा, और जैसे जैसे सूर्य की लंबवत किरणों का आभासी स्थानांतरण विषुवत रेखा के दक्षिण की ओर होगा, वैसे वैसे यहाँ इसको हम लोग उसी तरह के डायग्राम में ले लें, वैसे ही उत्तरी गोलार्ध में, इस नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, उत्तरी गोलार्ध में सूर्यातप की प्राप्ति कम होगी। ऐसे में सूर्यातप की प्राप्ति कम होगी तो तापमान कम होता जाएगा, तो ऐसे में सतह पर किसका, उच्च वायुदाब का विकास हो जाएगा। ऐसे कंडीशन में इन क्षेत्रों में तो बनता है हाई प्रेशर, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में इन जलीय भागों पर, निकटवर्ती जलीय क्षेत्रों में कॉम्परेटिवली क्या बनेगा, लो प्रेशर बनेगा। लो प्रेशर क्यों बनेगा, क्योंकि इस टाइम पर जो रेट ऑफ इवापोरेशन है, जो वाष्पीकरण का दर है, वो कम होगा। वजह क्या है कि यहाँ पर अब सूर्यातप की प्राप्ति उस मात्रा में नहीं हो रही है जिस मात्रा में ग्रीष्म ऋतु के समय हो रही थी। तो यहाँ हाई प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर, तो ये पवने अब क्या करेंगी, लौटना स्टार्ट कर देंगी, और इसी को इन्होंने कहा कि ये है मानसून का निवर्तन या मानसून का लौटना। इतनी बातें बताई गई थर्मल कॉन्सेप्ट में।
एक बार हम सीधा सीधा साधारण शब्दों में इसको अगर बात करें तो तापीय संकल्पना में यह बताया गया कि ग्रीष्म ऋतु के समय उत्तरी गोलार्ध में सूर्यातप की लंबवत आभासी किरणों के पड़ने के कारण स्थलीय भागों के तापमान में वृद्धि होने से वहां निम्न वायुदाब का विकास होता है, जबकि इसी समय में निकटवर्ती जलीय प्रदेश हिंद महासागर में और जो प्रशांत महासागर का निकटवर्ती प्रदेश है वहाँ वाष्पीकरण की प्रक्रिया, जो कि शीतलन की प्रक्रिया है, उसके प्रभाव से वहाँ उच्च वायुदाब का विकास होता है। तो पवने इस जलीय उच्च वायुदाब से स्थलीय निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती हैं, क्योंकि आने वाली पवने आद्र होती हैं और जैसे ही ये जलीय सतह से और स्थलीय सतह की ओर आते हैं इनकी ऊंचाई बढ़ती है और ऊंचाई बढ़ने के साथ तापमान में कमी आती है। तापमान में कमी आने के कारण इनकी सापेक्ष आर्द्रता बढ़ जाती है और सापेक्ष आर्द्रता में वृद्धि से संघनन की प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बादलों के निर्माण से, जब बादलों का घनत्व इतना अधिक हो जाता है कि अर्थ की ग्रेविटी उसको नीचे की ओर खींच लेती है, तो यही प्रक्रिया वर्षण की प्रक्रिया कहलाती है। लेकिन इन्होंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। इन्होंने गलती क्या कर दी कि इन्होंने हिमालय के इम्पोर्टेंस को नहीं बताया। जैसे हम लोग ये देख लें कि जो तापीय संकल्पना है, इस तापीय संकल्पना की आलोचना करी गई। कैसे? हम ये जान लें कि जो थर्मल कॉन्सेप्ट है, जो तापीय संकल्पना है, इस तापीय संकल्पना में क्या क्या किया गया? एक तो हिमालय और जो तिब्बत का पठार है, तिब्बत का पठार जो कि एक अवरोध के रूप में, क्योंकि विंड्स जब ही आएंगी तो उनके लिए बाउंड्री का काम करेंगे, अवरोध उत्पन्न करेंगे, तो इन्होंने जो कि ये एक अवरोध के रूप में है, इनके प्रभाव को महत्व नहीं दिया। साथ ही साथ में इन्होंने क्या कहा कि तिब्बत जो है ये तिब्बत की उच्च भूमि या तिब्बत पठार, तिब्बत की उच्च भूमि, ये उच्च तापीय यांत्रिक प्रभाव रखता है। अब ये थोड़ा सा शब्द बड़ा अजीब है कि तिब्बत का पठार ये उच्च तापीय यांत्रिक प्रभाव रखता है, ये शब्द बड़ा अजीब सा है, इसकी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब साफ ये है कि तिब्बत का पठार ऐसा पठार है जिसकी ऊंचाई कई सारे पर्वतों की ऊंचाई से भी अधिक है। तो जब ही ऊंचाई अधिक है तो सूर्यातप की प्राप्ति भी इसको पहले होगी और पहले होने के कारण यहाँ के तापमान में वृद्धि होगी, तो इसके तापमान में वृद्धि होने के प्रभाव को भी इसमें महत्व नहीं दिया गया। और इन्होंने क्या किया कि इन्होंने जेट स्ट्रीम के प्रभाव को महत्व नहीं दिया। अब ये इतनी समस्याएं आई क्या कि एक तो इन्होंने हिमालय और तिब्बत का पठार जो कि एक अवरोध के रूप में उपस्थित है इसके इम्पैक्ट को इम्पोर्टेंस नहीं दिया, इन्होंने तिब्बत का पठार जो कि उच्च भूमि है जहाँ की जो तापीय यांत्रिक प्रभाव है इसको इन्होंने इम्पोर्टेंस नहीं दिया और इन्होंने जेट स्ट्रीम के प्रभाव को भी महत्व नहीं दिया। कई बार क्या लिखा जाता है कि जेट स्ट्रीम के प्रभाव को महत्व नहीं दिया, इसके लिए एक और टर्म का यूज़ किया जाता है क्या कि इन्होंने ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण, ऊपरी वायुमंडलीय परिसंचरण के प्रभाव को महत्व नहीं दिया, ये इनमें कमियां थी। तो इन सभी कमियों को दूर करते हुए क्या किया गया कि इन कमियों को दूर करते हुए एक नया कॉन्सेप्ट आया जिसको कहा गया जेट स्ट्रीम संकल्पना या जेट स्ट्रीम सिद्धांत, है ना। और मजेदार बात यह है कि इस जेट स्ट्रीम के प्रतिपादन में, इसके प्रतिपादन में कई सारे साइंटिस्ट हैं, बहुत सारे वैज्ञानिक हैं, लेकिन सामान्य अध्ययन में जानने के लिए ज़रूरी है, एक व्यक्ति है जिनका नाम है येन,
और एक व्यक्ति है जिनका नाम है पी महेश, नहीं कोटेश्वरम, है ना। अगर इसके प्रतिपादन का श्रेय पी कोटेश्वरम की जगह पी महेश होता तो हम भी सुबह में उठते और इंतजार कर रहे होते कि अभी मीडिया वाला आएगा तो पूछेगा कि सर तो बताएं आज बारिश होगी कि नहीं होगी, है ना। तो फिलहाल ऐसी कोई घटना ना तो घटी है और ना ही भविष्य में घटने की कोई संभावना है, ठीक है। तो फिलहाल हमने इतना जान लिया कि जो तापीय संकल्पना है, जो थर्मल कॉन्सेप्ट है, इस थर्मल कॉन्सेप्ट में जितनी कमियां हैं इन कमियों को दूर करते हुए जेट स्ट्रीम संकल्पना का प्रतिपादन किया गया। और जेट स्ट्रीम संकल्पना के प्रतिपादन में येन का इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा था, इनका बड़ा महत्व तो रहा है, बड़ा योगदान रहा है। और एक भारतीय मौसम वैज्ञानिक, ये थोड़ा सा नाज करने वाली भी बात है, गर्व करने वाली बात है कि भारतीय मौसम वैज्ञानिक पी कोटेश्वरम ने भी इसका योगदान अपना उसमें किया, है ना। इसका मतलब कि अब हम लोगों के लिए कौन सा मुद्दा आ गया, जेट स्ट्रीम कॉन्सेप्ट। अब हमें समझना है कि जो जेट स्ट्रीम कॉन्सेप्ट है ये है क्या। और देखें जो जेट स्ट्रीम कॉन्सेप्ट है ना, ये इतना सामान्य है, लोगों को लगता है कि ये बड़ा टेक्निकल है, बड़ा तकनीकी रूप से कठिन है, लेकिन बड़ा सीधा सीधा है। जेट स्ट्रीम संकल्पना वह कोई भी व्यक्ति समझ लेगा जो एक वर्ष लगातार भारत में रहा हो। एक वर्ष लगातार का मतलब कि अगर आप 24 साल के हैं और आपने लगातार 24 बसंत ना सही तो एक लगातार पूरा का पूरा 12 महीने का समय इंडिया में बिताया हो तो वो हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा। कैसे, हम लोग बात कर लें, द नेक्स्ट वन इज जेट स्ट्रीम सिद्धांत, जेट स्ट्रीम कॉन्सेप्ट। देखें इसमें जेट स्ट्रीम कॉन्सेप्ट को भी समझने के लिए हमें कुछ बेसिक्स को जानना होगा, जैसा अभी हम लोगों ने बात किया। किसी भी सिद्धांत को समझने के लिए कुछ मौलिक, कुछ आधारभूत बातों को हम समझ लें। इसके बेसिक्स में एक तो हमें यह जानना है कि आई टी सी जेड क्या होता है, जिसको बोलते हैं क्या, अंतर उष्ण अभिसरण क्षेत्र, है ना। यहाँ ये जो अंतर है ना, ये दो टर्म यहाँ पर यूज किए जाते हैं, एक होता है अंतर और एक होता है अंतरा, एक को बोलते हैं इंटर और एक को बोलते हैं इंट्रा। इनमें डिफरेंस क्या है कि अगर हम अपने दोनों हाथों को, दोनों हथेलियों को एक साथ लेके आए और ऐसा करें कि इनको एक दूसरे से दूर करें, ये दोनों हथेलियाँ अलग हैं, तो इसको हम बोल सकते हैं कि अंतर हथेली अपसरण, क्योंकि हथेलियों दूर जाने को बोलते हैं अपसरण और पास आने को बोलते हैं अभिसरण। तो क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से दूर जा रहे हैं तो हम बोल सकते हैं कि अंतर हथेली अपसरण, पास में आए तो बोलेंगे अंतर हथेली अभिसरण, क्योंकि पास आना अभिसरण। अगर ऐसे कंडीशन में हम फिंगर को लेकर के बोलें, एक ही हथेली है, और ये उंगलियों को लेकर के बोलें कि ये दो उंगलियां एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो ये ऐसा देसी भाषा में समझ लें हम लोग इसको, है ना, कि इसको दूर जाने में हम एक टर्म का यूज अंतर नहीं करेंगे, अंतरा शब्द का प्रयोग करेंगे। इसको हम बोलेंगे अंतरा उंगली अपसरण, बड़ा अजीब सा लग रहा है ना, और पास में आ गई तो अंतरा उंगली अभिसरण। अंतरा का मतलब, अब अंतर हम समझ ले दोनों में, कि जब दो अलग अलग पिंडों के मध्य की बात करते हैं, अलग अलग पिंड, तो इसके लिए जो टर्म यूज होता है ये होता है अंतर, और जब एक ही पिंड की बात करते हैं तो इसके लिए टर्म यूज होता है क्या, अंतरा, ठीक है। आई टी सी जेड जो है ये इसके नाम से ही क्लियर हो जाएगा। अंतर उष्ण का मतलब क्या हुआ कि उष्ण कटिबंध में, अभिसरण का मतलब मिलना, अभिसरण का मतलब मिलना, और क्षेत्र का मतलब वह एरिया, एरिया रीजन वह क्षेत्र, एक ही बात है ना। अब इसका अगर हम सीधा सीधा अर्थ देखें तो हम बोल सकते हैं कि आई टी सी जेड या अंतर उष्ण अभिसरण क्या है, या वह एरिया वह क्षेत्र है जो उष्ण कटिबंध में पड़ता है, जो उष्ण कटिबंध में पड़ता है, और यहां पर कोई ना कोई क्या हो रहा है, मिल रहा है, किसी ना किसी का मिलन हो रहा है। यह है क्या बेसिकली कि इस विश्वतीय जो निम्न वायुदाब क्षेत्र है, यहां लो प्रेशर 30 डिग्री पे हाई प्रेशर, देखें
यहां चलती हैं ट्रेड विंड्स। ट्रेड विंड्स का फ्लो कैसे, ये उपोष्ण उच्च वायुदाब से विषुवतीय निम्न वायुदाब की ओर दोनों गोलार्धों से चलते हैं। ऐसे कंडीशन में ये दोनों व्यापारिक पवने, ये दोनों व्यापारिक पवने जिस एरिया में आ करके मिलती हैं, ये उष्ण कटिबंध ही है। उष्ण कटिबंध का आदर्श विस्तार 23.5 डिग्री उत्तर से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिण तक होता है, लेकिन इसका व्यवहारिक विस्तार 30-35 डिग्री तक होता है दोनों गोलार्धों में। तो इस उष्णकटिबंधीय प्रदेश में वह क्षेत्र जहां इन व्यापारिक पवनों का क्या होता है, अभी सरन होता है, इसी को बोलते हैं ITCZ। इसको हम ऐसे समझ लें थोड़ा सा कि 30 डिग्री नॉर्थ और इधर 30 डिग्री साउथ, इधर से भी ट्रेड विंड आ रहे हैं और इधर से भी ट्रेड विंड आ रहे हैं। जैसे जैसे ये व्यापारिक पवने, ये ट्रेड विंड 30 डिग्री से 0 डिग्री की ओर आएंगे, ये निम्न अक्षांश की ओर आ रहे हैं, और जैसे जैसे ये निम्न अक्षांशीय प्रदेश की ओर आएंगे, इनको सूर्यातप की प्राप्ति अधिक होती जाएगी, क्योंकि ये उच्च अक्षांशीय प्रदेश से निम्न अक्षांशीय प्रदेश की ओर आ रहे हैं। और जैसे जैसे ये आगे की ओर बढ़ेंगे, इधर से या इधर से, इनको सूर्यातप की प्राप्ति अधिक होगी और इनका तापमान निरंतर बढ़ता जाएगा, ग्रेजुअली लगातार क्रमिक रूप से बढ़ता चला जाएगा। होगा क्या कि ये दोनों पवने आते 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 जब ही आती हैं, तो होना तो ये चाहिए कि दोनों का क्या हो जाए, अभिसरण हो जाए, लेकिन समस्या है क्योंकि दोनों एक ही नेचर के हैं। दोनों जैसे आ रहे हैं, इनका नेचर लगभग एक जैसा होता जा रहा है, होता जा रहा है, होता जा रहा है, तो मिलने से पहले ही इनके पास में इतनी एनर्जी हो जाती है कि ये कहाँ चले जाते हैं, ऊपर की ओर उठ जाते हैं। इन दोनों में ये एक दूसरे से टकराते नहीं है, बल्कि टकराने से पहले ही इनका क्या हो जाता है, आरोहण हो जाता है। तो इनका विचारों का कुछ वो हाल है कि मिलके भी मिल ना सके, और कहानी भी किसकी बनती है, जो मिलके भी मिल ना सके, जो मिलके मिल चुका हो उसकी कहानी बनने का कोई मतलब भी नहीं है। अब देखें, यहां पर ये एक एरिया होगा, ये पूरा का पूरा एरिया होगा जहां पर ये घटना घट रही है, इसीलिए इसके लिए कौन सा टर्म यूज किया गया, क्षेत्र। अगर दोनों मिल गए होते तो यहां क्षेत्र शब्द का प्रयोग नहीं किया गया होता, क्योंकि क्षेत्र का मतलब ही होता है वह भाग जिसका कुछ क्या हो, विस्तार हो, जिसका कुछ एक्सटेंशन हो, है ना। तो यहां पर इसीलिए इसको कहा गया क्षेत्र। अब अगर इनका आरोहण हो जाएगा तो सतह पर जो दबाव है, ये दबाव कम हो जाएगा, क्योंकि हवाएं क्या हो गई, आई और आकर के ऊपर की ओर उठ गई, तो सरफेस पर जो प्रेशर है, जो दबाव है, वो कम हो जाएगा। और इस दबाव के कम होने का मतलब ये है कि यहां पर क्या बनेगा, निम्न वायुदाब का विकास होगा, और इस निम्न वायुदाब का जो विकास होता है, ये एक और घटना घटी यहां पर, क्या कि जब ही जो सूर्य के लंबवत आभासी किरणें हैं, इन लंबवत आभासी किरणों का अलग अलग ऋतुओं में दशाएं अलग अलग होती हैं। ग्रीष्म ऋतु में इनका आभासी स्थानांतरण उत्तरायण, और शीत ऋतु में इनका आभासी स्थानांतरण दक्षिणायन होता है। तो इन लंबवत आभासी किरणों का जब ये स्थानांतरण हो रहा है, तो वायुदाब पेटियों का भी स्थानांतरण होगा, और वायुदाब पेटियों का स्थानांतरण होगा तो क्योंकि ये पवने जो चल रही हैं, ये उच्च वायुदाब पेटी से निम्न वायुदाब पेटी की ओर चल रही हैं, तो इन पेटियों का स्थानांतरण होने के कारण क्या ITCZ अपनी जगह पर स्थिर रहेगा, स्थानांतरित होगा, वो भी क्या होगा, स्थानांतरित होगा। तो ऐसे कंडीशन में ग्रीष्म ऋतु में क्या हो जाएगा कि ये जो ITCZ है, क्योंकि ये जो वायुदाब पेटियां हैं, ये गर्मियों के टाइम पे उत्तर की ओर शिफ्ट होंगी, इधर भी और इधर भी। अब पता चला कि ये जो विंड्स आ रही थी यहां से, अब थोड़ा नॉर्थ से आने लगी 35 से, और ये इधर से, तो वे पवने जो पहले विषुवत रेखीय प्रदेश में आपस में मिल रही थी, अब विषुवत रेखीय प्रदेश में ना मिलकर के कहां मिलने लगी, और उत्तर में। तो यहां पर इनका अभिसरण हुआ, तो हम बोल सकते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में ITCZ का स्थानांतरण किधर होगा, उत्तरायण होगा,
विषुवत रेखा के उत्तरायण होगा और शीत ऋतु में इनका जो स्थानांतरण होगा वो दक्षिणायन होगा, या हम बोल सकते हैं कि विंटर्स के टाइम पर ये अपने पूर्व की अवस्था में जाना स्टार्ट कर देंगी। तो पहला बेसिक मसला जो हमें इस जेट स्ट्रीम कॉन्सेप्ट को जानना है उसमें ये है ITCZ। दूसरा हमने जो जानना है, चूँकि कॉन्सेप्ट का नाम ही है जेट स्ट्रीम सिद्धांत, तो जेट स्ट्रीम सिद्धांत को समझने के लिए थोड़ा सा हमको जेट स्ट्रीम के विषय में भी जानना होगा। ये जेट स्ट्रीम जो है, इसमें पहला बात कि इसका जो विकास होता है, इसका विकास होता है विपरीत भौतिक गुणधर्मों वाली वायु राशियों के अभिसरण से, जैसे एक तरफ से अपेक्षाकृत ठंडी हवा और एक तरफ से इसकी अपेक्षा गर्म हवा, जब ही इन दोनों का अभिसरण होता है तो जेट स्ट्रीम का विकास होता है। ये जेट स्ट्रीम, और ये जेट स्ट्रीम संपूर्ण पृथ्वी पर, संपूर्ण पृथ्वी पर क्षोभ मंडल की ऊपरी सीमा एवं समताप मंडल की निचली सीमा के मध्य पश्चिम से पूर्व की ओर कैसे चलती हैं, विसर्पित करते हुए प्रवाहित होती हैं। विसर्पित का मतलब है मियांडर करते हुए, ऐसा जिगजैग टाइप का ऐसा। इस जेट स्ट्रीम के साथ भी एक काम है क्या कि इसका भी ये स्थानांतरणशील प्रवृत्ति की होती है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में और शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में इनका जो स्थानांतरण होता है, और इनका स्थानांतरण उसी डायरेक्शन में होगा जिस डायरेक्शन में सूर्य की लंबवत आभासी किरणों का स्थानांतरण होता है। ग्रीष्म ऋतु के टाइम पे इनका स्थानांतरण हम ऐसे देख सकते हैं कि इनका स्थानांतरण ये उत्तरायण होगा नॉर्थ की ओर, और शीत ऋतु में इनका स्थानांतरण किधर होगा, दक्षिणायन होगा, इनका स्थानांतरण दक्षिणायन होगा। तो ये दो बातें हम लोगों को जाननी है पहले, कि जेट स्ट्रीम कॉन्सेप्ट को जानने से पहले एक तो हमें ITCZ को जान लेना है, और क्योंकि कॉन्सेप्ट ही जेट स्ट्रीम है तो जेट स्ट्रीम के विषय में हमको जान लेना है, है ना। नेक्स्ट अब हम लोग आ जाएं किस पे, इस कॉन्सेप्ट पे कि आखिर ये जेट स्ट्रीम है क्या। और इस जेट स्ट्रीम को जानने के लिए हमें थोड़ा सा 12 वर्ष बिताना होगा भारत में। ये 12 वर्ष बिताने का मतलब ये है कि है ना, ऐसे 12 वर्ष तो लगने में बहुत मसला हो जाएगा। हमें एक साइकिल की सहायता से समझना है, एक चक्रीय प्रक्रम। अच्छा, इंडिया में एक वर्ष में कितने मौसम हम लोग मान के चलते हैं? गाना तो सुना होगा ना कि एक वर्ष में मौसम चार गाने में भी बताया है, और तीन बार बताया है, वो रिपीट भी करवाया है कि एक वर्ष में मौसम चार। पांचवा मौसम है, लेकिन वो डिपेंड करता है व्यक्तिगत उपलब्धियों पे। अगर आपके पास उपलब्धि है तो आप पांचवें मौसम का आनंद ले सकते हैं, अगर नहीं है तो उस आनंद को लेने के लिए प्रयास भी कर सकते हैं, निरंतर प्रयास में लगे रहना चाहिए। बहरहाल, चूँकि यहाँ पर कोई व्यक्तिगत मौसम का तो चर्चा हम लोग कर नहीं रहे हैं, हम लोग बात कर रहे हैं मानसून के विषय में। तो मानसून के विषय में जानने के लिए जो लॉजिकल चार हैं हम उसी पर बात करेंगे, और इन चारों का जो आइडियल एक्सटेंशन है, आइडियल एक्सटेंशन का मतलब कि जो आदर्श रूप में इनका विस्तार पाया जाता है या कब से कब तक पाया जाता है, ठीक है ना। आप पुस्तकों में पढ़ेंगे तो बोलता है कि मिड जून से लेकर के मिड यहाँ तक, मिड यहाँ से लेकर यहाँ तक, है ना। तो हम इसको मान के चल रहे हैं कहाँ से, एक तो 15 जून से लेकर 15
सितंबर तक और 15 सितंबर से लेकर के 15 दिसंबर तक। देखें अगर इन इन समयों के बीच में जो भी घटनाएं घटित होती हैं अगर हमको याद है तो सारी चीज़ें हम समझ सकते हैं। अभी जो टाइम चल रहा है वो भी आएगा इसमें, ये भी आएगा इसमें। हम पहले 15 मार्च से 15 जून तक की बात कर लें। अच्छा मार्च में ऐसा हुआ होगा ना कि होली हुआ और होली पता लगा कि 11 मार्च को है, होली होली में पता लगा घर गए खूब आनंद किया और वापस आए तो जिस रेलगाड़ी से आ रहे थे, मान लीजिए कि आप उसमें ऐसी जगह पर बैठे हैं जहाँ हवा लग रही है तो ठंड भी लग रही होगी, आप आए यहाँ पर और आपने क्या किया कि फैन चलाया फुल स्पीड में, ठंड लगने लगी। मार्च में लगभग मिड मार्च के बाद भी थोड़ी थोड़ी ठंड होती है, तो कुछ आलसी तत्व ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, कूलर चला लेंगे। कूलर क्यों चलाएंगे, कूलर ऐसे नहीं चलाएंगे खाली फैन चला लिया, उसमें पंप भी चला लेंगे। पंप चलाने का मतलब समझते हैं ना कि उसमें पानी भी डाल लिया, ऐसा करते हैं ना कुछ लोग। वो दो वजह है, एक तो वजह यह है कि अभी उनका मन नहीं कर रहा है कि अपने कंबल को या अपने रजाई को अपने बिस्तर से हटाएं, पहला आलसी तत्व भी होते हैं। दूसरा उद्देश्य उनका यह हो सकता है कि नहीं अभी हमें मार्च में भी सर्दियों वाले मजे लेने हैं। अब सर्दियों वाले मजे का मतलब यह भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति सर्दियों में रेगुलर यूज मेडिसिन भी लेता हो। हम रेगुलर यूज मेडिसिन की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं मौसमी आनंद का, है ना। तो वो क्या करेगा कि कूलर चला लिया और कूलर में उसने पानी वगैरह पंप चला लिया और खूब ठंडा ठंडा लग रहा है, आराम से सो रहा है मस्ती से। इसका मतलब यह है कि आपने जो कूलर चलाया ना, अगर यही कूलर आप चला लें जुलाई में और उस कूलर में वही पंप आप चला लें, क्या रह पाना आसान होगा, हालत खराब हो जाएगी। कौन सी गर्मी, चिपचिप वाली गर्मी, बोलते ना चिपचिप वाली गर्मी है। तो यहां पर इस टाइम पे आपने जो चलाया इसका मतलब यह है कि जो मौसम है ये शुष्क है या आर्द्र, आर्द्र अगर होता तो कूलर में पंप नहीं चलाते, और अगर ऐसा चला रहे हो तो जो है संदेह के दायरे में आ गए। 18 साल से अगर ऊपर हो और ये ही नहीं समझ पाए कि शुष्क था कि आर्द्र, तो बड़ी समस्या है ये, है ना। 18 वर्ष से अगर ऊपर हो गए और शुष्कता और आर्द्रता नहीं समझ पाए तो मौसम का आनंद ले चुके, फिर समस्या है, है? और ऐसा व्यक्ति कभी वोट नहीं देता है, वोट दे भी दिया ना तो ये तो शुक्र है कि बैलेट पेपर नहीं है, नहीं तो बीच में ही मुहर लगाता वो, क्योंकि उसको वोट खराब करना है, किसी को देना नहीं है, ये पहले से तय है। हाँ, इस 15 मार्च से 15 जून के बीच में मौसम होता है शुष्क, और 15 मार्च के बाद जैसे जैसे टाइम बढ़ता है ग्रेजुअली जो मौसम का टेम्परेचर है वो क्या होता जाता है, बढ़ता चला जाता है। तो हम ऐसे टर्म का यूज़ करते हैं कि अब गर्मियाँ आ गई हैं, ग्रीष्म ऋतु आ गया है, तो हम यहाँ पर एक टर्म यूज़ कर सकते हैं ना कि शुष्क क्या होता है, ग्रीष्म ऋतु होता है। अच्छा बचपन में स्कूलिंग वाला टाइम याद होगा, मार्च में आपने पढ़ाई करा, एग्ज़ाम वगैरह दिया और हो गई छुट्टियाँ, मन बड़ा प्रसन्न कि अब छुट्टियाँ हो गई ना, अब खूब मस्ती करेंगे। और मार्च के बाद अप्रैल मई और जून आते आते या मई के आसपास मान लें प्रारंभिक में या मध्य में छुट्टियाँ चल रही थी, मई की छुट्टियाँ होती थी ना, तो छुट्टियाँ हुई तो मन बड़ा प्रसन्न कि अब खूब घूमेंगे। और जैसे गर्मियों का टाइम था दोपहर को 2 बजे आप घर से निकले कि आप निकले ग्राउंड में, अब जाके खेलेंगे क्रिकेट, कोई बात नहीं है। तब तक माँ ने बुलाया कि लला आओ, और दिया गाल पे खींच के और पूरे शरीर पे लगा के बिठा दिया पाउडर, कौन सा, पहले आता था नाइसिल है? तो क्यों वो, मतलब क्यों नाइसिल पाउडर क्यों लगाया गया, इसलिए कि घमौरियाँ ना हो जाए। घमौरियाँ क्यों हो रही थी, क्योंकि धूप ज़्यादा था, और वो जो धूप था वो सामान्य था या बड़ा तीखा था, बड़ा तीखा धूप होता है, और उसको सामान्य बोलचाल की भाषा में हम लोग बोलते हैं कि इसी टाइम में भाई मेवे के आसपास में क्या चलने लगता है, लू चलने लगता है, ये बेसिकली वही है। अब पता चला कि अभी मानसून तो आया नहीं है, कभी ऐसा तो नहीं होता ना कि मई में ही मानसून आ गया हो भारत के मुख्य भूभाग पर, ऐसा कभी नहीं हुआ। अचानक से पता चला कि अच्छा जो हमारे देश में जो हमारे किसान भाई बंधु हैं वो मई माह के में क्या होते हैं, फ्री होते हैं, उस टाइम पर कोई एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस नहीं चलता है, है ना। तो अब पता चला कि मई में ही हमारा एक मित्र है, मान लें उसका नाम है कुछ भी कलहे का हो गया तय विवाह, और कलहे बड़ा खुश कि अब जाना तो है बारात, अपने में तो जाएगा ही ना, दूसरे में जाए ना जाए, उसको इस बात की भी चिंता नहीं है कि मानसून का समय है, बारिश बहुत तेज होगी, भीग जाएंगे या पहुंचने में समस्या होगी,
उसको तय है कि उसको जाना है, लेकिन पता चला कि कलहे का विवाह जो है वो तय हो गया 20 मई को और 16 मई से मौसम खराब होना स्टार्ट हो गया, 17 को और खराब, 18 को और खराब, 19, 20 के दिन जिस दिन बारात निकलनी थी उसी दिन भयंकर बारिश, ऐसी बारिश कि कई बार लोग ऐसा भी बोलते हैं कि भाई मानसून में भी कभी ऐसा बारिश ना हुआ, लेकिन मानसून अभी नहीं आया है, अभी मानसून नहीं आया है। खैर जो भी बारिश बहुत भयानक हुई, हमको ये जानना है, लेकिन कलह तो जाएगा ही जाएगा, कोई जाए ना जाए उसको कोई रोक नहीं सकता, उसका जाना तय है। तो इस टाइम पर ऐसे में हम इसको क्या बोलते हैं कि स्थानीय स्तर पर तीव्र विद्युत गर्जन के साथ वर्षा होती है, ऐसा भी होता है, लेकिन यह मानसून नहीं होता, मानसून नहीं होता, लेकिन यह मानसून आगमन का क्या होता है, मानसून आगमन का सूचक होता है, ठीक है ना। इसके बाद में 15 जून से 15 सितंबर तक हम मान लें कि यह होता है कैसा, मानसूनी वर्षा ऋतु होता है, और इस 15 सितंबर से 15 दिसंबर के बीच में अगर आए हो तो जाना भी होगा, नेचर ने सब कुछ बैलेंस कर रखा है, तो अगर मानसून आए हैं तो इनको जाना भी होगा। तो 15 सितंबर से 15 दिसंबर के बीच का जो समय होता है ये मानसून निवर्तन का समय होता है, निवर्तन को बोलते हैं रिट्रीट, है ना, 26 जनवरी को देखते होंगे रिट्रीट परेड भी होता है, तो रिट्रीट का मतलब ही होता है कि क्या हो जाओ, वापस लौट जाना। और 15 दिसंबर से 15 मार्च तक का जो समय होता है ये भारत में शीत ऋतु का समय होता है, और इस टाइम पर भी भारत में वर्षा होती है, और यहां वर्षा एक तो होता है किससे, पश्चिमी विक्षोभ के रूप में भी होता है, और यहां पर वाताग्री वर्षा भी होता है। और जब ही मानसून का निवर्तन होता है तो मानसून के निवर्तन के टाइम पर भी वर्षा होती है, वो हम लोग अभी बात कर लेंगे कैसे कि मानसून निवर्तन के समय पर भी रेनफॉल होता है। अब ये जो जेट स्ट्रीम कॉन्सेप्ट है, इस जेट स्ट्रीम कॉन्सेप्ट को हमने कंप्लीटली इसी आधार पर देखा है, क्योंकि जो इसको समझने के लिए बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास में है, हम लोगों को ITCZ पता है क्या है, उसकी प्रवृत्ति क्या है हमको ये पता है, जेट स्ट्रीम क्या है उसकी प्रवृत्ति क्या है ये भी हमको पता है, हमें ये बात भी पता है कि ग्रीष्म ऋतु में सागरीय सतह का तापमान कम होता है और शीत ऋतु में सागरीय सतह का तापमान अपेक्षाकृत अधिक होता है, जिसके पीछे का सीधा सीधा कारण है वाष्पीकरण, इतनी चीजें है ना। तो अब हम लोग बात कर लें इस जेट स्ट्रीम कॉन्सेप्ट के बारे में। जेट स्ट्रीम कॉन्सेप्ट में हम लोग स्टार्ट कर लें 15 मार्च से। होता क्या है कि 15 मार्च से 15 जून के बीच में, 15 मार्च से 15 जून के बीच में कौन कौन सी घटनाएं घटती हैं, एक तो जो सूर्य की लंबवत आभासी किरणें हैं, इस आभासी सूर्य की लंबवत आभासी किरणों का स्थानांतरण ये होता है उत्तरायण, कि सूर्य की लंबवत आभासी किरणों का स्थानांतरण उत्तरायण होता है, जहां जहां अच्छा विषुवत रेखा पर वर्ष में सूर्य की लंबवत किरणें कितनी बार, दो बार पड़ती हैं, कब कब, एक तो 21 मार्च और दूसरा 23 सितंबर। हम लोग बात कर रहे हैं 15 मार्च से, तो हमने ये बात किया कि सूर्य की लंबवत आभासी किरणों का स्थानांतरण उत्तरायण होता है जहां 21 मार्च के उपरांत, 21 मार्च के उपरांत सूर्य की लंबवत आभासी किरणें ये विषुवत रेखा के उत्तरायण हो जाती हैं। यहां पहले वाले टर्म में हम लोगों ने विषुवत रेखा टर्म का यूज नहीं किया, पहले वाले टर्म में हम लोगों ने सिर्फ इतना यूज किया कि आभासी किरणों का स्थानांतरण होता है उत्तर की ओर, लेकिन 21 मार्च के उपरांत आफ्टर 21st ऑफ मार्च ये क्रॉस कर जाते हैं विषुवत रेखा को। साथ ही साथ में इस टाइम पर उत्तरी गोलार्ध को
या उत्तरी गोलार्ध में सूर्यातप की प्राप्ति ये हो जाएगी अधिक, और सूर्यातप की प्राप्ति अधिक होने के कारण भारतीय उपमहाद्वीप के तापमान में वृद्धि होगी। ये कंडीशन तो होगा ही होगा, साथ ही साथ में उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध में तापमान वृद्धि के कारण, तापमान वृद्धि के कारण जो दाब प्रवणता है, जो प्रेशर ग्रेडियंट है, ये दाब प्रवणता ये लगातार क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्योंकि ग्रीष्म ऋतु के टाइम पर जो प्रेशर ग्रेडियंट होता है वो कम होता है, और शीत ऋतु के टाइम पर जो दाब प्रवणता होती है वो अधिक होती है। तो इन गर्मियों के टाइम पर या उत्तरी गोलार्ध में इस समय दाब प्रवणता कम होगा, और इसका प्रभाव ये होगा कि उपोष्ण, उपोष्ण पश्चिमी जट धारा का स्थानांतरण ये हिमालय के उत्तरायण होगा। ना सिर्फ इसका स्थानांतरण हिमालय के उत्तरायण होगा, अपितु यह भी होगा कि साथ ही अपेक्षाकृत ऊपरी वायुमंडलीय दशा की ओर इसका स्थानांतरण होगा। इन घटनाओं के साथ साथ में जो अभी हम लोगों ने, क्योंकि ITCZ के बारे में बात किया ही था कि जो ITCZ है ये भी स्थानांतरण प्रवृत्ति का होता है, तो जब ही जिस तरफ में सूर्यातप की प्राप्ति अधिक होगी या सूर्य की लंबवत आभासी किरणें जाएंगी, जो वायुदाब पेटियां हैं वो भी उधर शिफ्ट होंगी। तो वायुदाब पेटियां जब शिफ्ट होंगी तो ITCZ भी क्या होगा, उत्तर की ओर शिफ्ट होगा। तो ऐसे कंडीशन में जो वायुदाब पेटियां हैं, इन वायुदाब पेटियों का स्थानांतरण ये उत्तरायण होगा, फलतः इसका इम्पैक्ट ये होगा कि ITCZ का स्थानांतरण भी किधर, उत्तरायण होगा, जहाँ ITCZ ये भारत के उत्तरी विशाल मैदान में या मैदान तक पहुंच जाता है या इसका स्थानांतरण हो जाता है। आप NCERT में देखेंगे तो वहाँ एक ऐसा डायग्राम भी मिलेगा आपको, ऐसा और ऐसा वहाँ पर बना हुआ है, ऐसा ITCZ ऐसा। तो इस टाइम पर ITCZ भी उत्तर की ओर स्थानांतरित होगा। अभी हम लोगों ने चूंकि बात किया हुआ है कि ITCZ जहां पर जाएगा या ITCZ का स्थानांतरण जिस एरिया में होगा वहां का वायुदाब लगातार कम होता चला जाएगा, लो प्रेशर बनता चला जाएगा, और टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ता चला जाएगा। तो इस टाइम पर एक और घटना घटती है कि उत्तरी मैदानी प्रदेश में पश्चिम से पूर्व की ओर ये उष्ण शुष्क क्षैतिज पवन चलती है, ये गर्म शुष्क क्षैतिज पवनों का इधर प्रवाह होता है, जिसे क्या बोलते हैं, लू बोलते हैं। और ये बेसिकली जो लू है ये कैसी पवन है, ये स्थानीय पवन है। और अभी हम लोगों ने बात कर रखा है कि स्थानीय पवन को वायुमंडलीय परिसंचरण की कौन सी श्रेणी में रखा जाता है, तृतीयक वायुमंडलीय परिसंचरण में, जबकि मानसूनी पवनों को वायुमंडलीय परिसंचरण की द्वितीयक श्रेणी में रखा जाता है। तो कहीं ना कहीं द्वितीयक वायुमंडलीय परिसंचरण की उत्पत्ति के क्रम में तृतीयक वायुमंडलीय परिसंचरण की भी उत्पत्ति हो जा रही है। अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो स्थानीय पवन है लू, इसको वेस्ट बंगाल में क्या बोलते हैं, इसको वहाँ काल बैसाखी बोलते हैं,
वेस्ट बंगाल में इसको काल बैसाखी बोलते हैं। एक और घटना कि अगर उष्ण शुष्क क्षैतिज पवनों का प्रवाह हो रहा है तो आसपास के एरिया में जिन क्षेत्रों में इसका प्रभाव होगा वहां पर तापमान में वृद्धि के कारण वायुदाब हो जाएगा कम, और अगर वायुदाब कम होगा तो बनेगा लो प्रेशर, और लो प्रेशर का जैसे ही सेंटर बनेगा वो आसपास की हवाओं को अपनी ओर क्या कर लेगा, आकर्षित करना स्टार्ट करेगा, अट्रैक्ट करना स्टार्ट करेगा। तो ऐसी दशा में यदि यदि उष्ण शुष्क पवनों का सागरीय तटीय आद्र पवनों से क्या हो जाए, अभिसरण हो जाए, अगर इनका कन्वर्जेंस हो जाए तो कम समय हेतु तीव्र वर्षा होती है। यह वही जिसमें कलहे वाला चक्कर पड़ गया था, इसी में फंसा था बेचारे का पूरा सिस्टम, है ना। तो ऐसे में ये जो स्थानीय स्तर पर तीव्र वर्षा होती है ये बेसिकली क्या होता है कि ये मानसून आगमन का सूचक होते हैं, दे आर द इंडिकेटर्स ऑफ इनकमिंग मानसून। लेकिन मानसून अभी आता नहीं है। अलग अलग क्षेत्रों में इस वर्षा को जो स्थानीय स्तर पर होता है अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे ये जो वर्षा होती है इसको असम में बोलते हैं क्या, चाय वर्षा बोलते हैं। लेकिन ये सिर्फ चाय के लिए ही लाभदायक नहीं होता है, चाय के साथ साथ में ये किसके लिए, जूट के लिए भी फायदेमंद होता है, और किसके लिए, चावल के लिए भी फायदेमंद होता है। इसी तरह से इसको कर्नाटक में क्या बोलते हैं, इसको कर्नाटक में बोलते हैं, बिल्कुल सही बात है, कि कॉफ़ी वर्षा भी बोलते हैं, या कोको के फसल के लिए बेहतर होता है। और कर्नाटक और केरल दोनों वाले क्षेत्रों में इसको क्या बोलते हैं, मैंगो शावर बोलें तो आम्र वर्षण बोलते हैं, ठीक है। और इसको केरला में एक और नाम से जाना जाता है, और वो है क्या, चेरी ब्लाजम। इस चेरी ब्लाजम का बेसिकली हिंदी रूपांतरण अगर देखें तो इसको बोलते हैं फूलों की बौछार। चेरी ब्लाजम का मतलब ही होता है कि फूलों की बौछार। तो ये जो रेनफॉल होता है यहाँ केरला में चेरी ब्लाजम, केरला कर्नाटका में मिला करके आम्रवर्षण, और असम में इसको चाय वर्षा के लिए भी या चाय वर्षा के नाम से भी जाना जाता है। ये सारी घटनाएं घट तो रही हैं लेकिन अभी मानसून नहीं आया। इन घटनाओं के घटने के साथ साथ में एक जो सबसे महत्वपूर्ण घटना घटती है, जो हम लोगों ने कमी में बात किया था, हम लोगों ने ये देखा था कि जो तापीय संकल्पना है उस थर्मल कॉन्सेप्ट में कहीं पर भी उन्होंने हिमालय और तिब्बत के उच्च भूमि की बात नहीं की थी, और उसी बात को दूर करते हुए जेट स्ट्रीम कॉन्सेप्ट दिया गया जिसमें उन मुद्दों पर भी चर्चा की गई। ये इतनी घटनाएं घटी, साथ ही साथ में हम लोग बात कर रहे हैं 15 मार्च से 15 जून के बीच की। एक और घटना घटित होती है, वो क्या है कि इस टाइम पर जो तिब्बत की उच्च भूमि है, हम लोगों ने पहले बात किया हुआ है कि तिब्बत ऐसा पठार है, ऐसी उच्च भूमि है जिसकी ऊंचाई कई सारे सामान्य पर्वतों से भी अधिक है। तो जाहिर सी बात है कि ग्रीष्म ऋतु के समय इस तिब्बत वाले एरिया को भी सूर्य तप की प्राप्ति अधिक होगी। तो 15 मार्च से 15 जून के बीच इस तिब्बत वाले क्षेत्र को सूर्य तप की प्राप्ति, इसको सूर्य तप की प्राप्ति अधिक हो रही है। तो सूर्य तप की प्राप्ति अधिक होने के कारण यहाँ के वायु का तापमान ये बढ़ जाएगा, और वायु का तापमान बढ़ेगा तो वायु होगी कैसी, गर्म। और जब ही एयर गर्म होगी तो उसके पास में अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो ऊर्जा की मात्रा है, वो अधिक हो जाएगी। और एक रूल है कि हैविंग मोर एनर्जी लेस स्टेबिलिटी एंड हैविंग लेस एनर्जी मोर स्टेबिलिटी। जिसके पास जितनी ज़्यादा ऊर्जा होगी उसमें स्थिरता उतनी ही
कम, और जिसमें जितनी कम ऊर्जा होगी उसमें स्थिरता उतनी ही अधिक होगी। तो ऐसे में जब ही ये पवने गर्म हुई, इनके पास में एनर्जी अधिक हुआ, तो ये पवने ऊपरी वायुमंडल में उठना स्टार्ट करेंगी। इसके लिए टर्म यूज किया जाता है कि इस गर्म वायु का आरोहण हो रहा है। अब जैसा हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि जैसे जैसे वायु की ऊंचाई बढ़ती जाती है, इसके तापमान में कमी आती जाती है, और ये तापमान की कमी का अलग अलग रेट है, लेकिन जो सामान्य रेट है वो 165 मीटर पर एक डिग्री सेंटीग्रेड है, जिसको एवरेज थर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि ये जब ऊपर वायुमंडल में उठना स्टार्ट करेगी तो क्रॉस कर जाएगी सारे के सारे वायुमंडल पर, ऐसा नहीं। ये ऊपरी वायुमंडल में 7 से 9 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाते 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 इनका क्या होने लगता है, एकत्रीकरण होता है। और जब ही इनका एकत्रीकरण होगा, ये इकट्ठा होंगी, तो इससे ऊपरी वायुमंडल में हम बोल सकते हैं कि ऊपरी वायुमंडल में उच्च वायुदाब का विकास हो जाएगा, या फिर जहां कहीं भी उच्च वायुदाब का विकास हुआ उसको हम बेफिक्र होकर के बोल सकते हैं कि यहां पर प्रति चक्रवातीय दशा का विकास हुआ। जब ही ऊपरी वायुमंडल में इन गर्म पवनों के आरोहण और उनके एकत्रीकरण से उच्च वायुदाब का विकास होगा, तो जाहिर सी बात है कि इस उच्च वायुदाब वाले एरिया से ये पवने उधर की ओर भागना स्टार्ट करेंगी, जिधर इनको अपने अपेक्षा वायुदाब कम मिलेगा। इस समय में जब ही उत्तरी गोलार्ध में सूर्यातप की प्राप्ति अधिक हो रही है, तो दक्षिणी गोलार्ध में उसकी तुलना में सूर्यातप की प्राप्ति कम होगी। इस वाले एरिया में हम इसको थोड़ा ऊपर ड्रॉ कर दें, इस दक्षिणी गोलार्ध में यहां है मेडागास्कर, और अगर आप अटलस देखेंगे तो इस एरिया में मेडागास्कर से लेकर के इस पूरे के पूरे एरिया में लगभग बहुत विस्तृत क्षेत्र में स्थल खंडों का अभाव पाया जाएगा। यहां पर जलीय विस्तार अधिक है, और इस टाइम पर इस वाले एरिया में जो सूर्यातप की प्राप्ति है, ये सूर्यातप की प्राप्ति ये कम हो रही है, तो जाहिर सी बात है कि वाष्पीकरण भी क्या होगा, कम होगा। और वाष्पीकरण कम होगा तो जो शीतलन की प्रक्रिया है, ये शीतलन की प्रक्रिया भी कम होगी, तो ऐसे में जलीय सतह का तापमान अपेक्षाकृत अधिक होगा। और ऐसे कंडीशन में यहाँ इसकी अपेक्षाकृत हम बोल सकते हैं यहाँ लो प्रेशर या निम्न वायुदाब का विकास होगा। अब क्योंकि पवने हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर प्रवाहित होती हैं, तो इस ऊपरी वायुमंडलीय क्षेत्र से ये पवने आकर्षित होंगी और ये मेडागास्कर और आसपास के क्षेत्रों में इसका अवतलन होता है। वजह क्या है कि पवने हमेशा उसी दिशा में प्रवाहित होंगी जहां उनको अपनी अपेक्षा निम्न वायुदाब का क्षेत्र मिलेगा, और ये जो पवने इधर की ओर प्रवाहित हो रही हैं, तो हम बोल सकते हैं इस वाले एरिया में कि ऊपरी वायुमंडलीय उच्च वायुदाब, जो कि कौन से गोलार्ध में है, उत्तरी गोलार्ध के, जो ये घटना घटी कि ऊपरी वायुमंडलीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से वायु का अवतलन ये मेडागास्कर एवं निकटवर्ती क्षेत्रों में होता है, और ये जो पवनों का अवतलन होता है इसकी जो दिशा है, इसकी दिशा होती है उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। और मजेदार बात तो यह है कि इन्हीं पवनों को बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम,
बेसिकली जब हम जेट स्ट्रीम की बात करते हैं तो जेट स्ट्रीम में सीधा सीधा इस टर्म को यूज़ किया जाता है कि जेट स्ट्रीम हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होते हैं, लेकिन इसका तो पूरा का पूरा दिशा और दशा दोनों बदला हुआ है। तो ये जो उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम है वास्तव में ये सूडो जेट स्ट्रीम है, बोले तो अवास्तविक जेट स्ट्रीम है। अवास्तविक जेट स्ट्रीम का मतलब ये है कि इसकी उत्पत्ति मौसम विशेष में होती है। ये जो उष्णकटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम है इसकी उत्पत्ति मौसम विशेष में होती है, और जैसे ही ये मौसम समाप्त होगा, ये ऋतु समाप्त होगी, इस जेट स्ट्रीम का अस्तित्व भी समाप्त हो जाएगा। अब इतनी घटनाओं के घटने के साथ साथ 15 जून तक की हमको बात करना है। अच्छा, नॉर्मली जो हम समझते हैं कि मानसून सबसे पहले इंडिया में कहाँ आता है, केरला में, ऐसा सोचते हैं ना, ये बिल्कुल गलत बात, ऐसा गंदा विचार मन में लाना ही नहीं है। सबसे पहले केरला में आता ही नहीं, सबसे पहले इंडिया में आता है अंडमान निकोबार द्वीप समूह के उत्तरी भागों में। लेकिन जब ये कहा जाए कि मानसूनी पवने भारत के मुख्य भूभाग पर, क्योंकि अंडमान निकोबार कैसा क्षेत्र है, आइलैंड एरिया है, तो जब ऐसे टर्म का यूज़ किया जाए कि मानसूनी पवने भारतीय मुख्य भूभाग पर सर्वप्रथम कहाँ पहुँचती हैं, तो वो पहुंचती हैं केरला में। लेकिन पूरे भारत की जब हम बात करें तो ये पहुंचती हैं कहाँ, अंडमान निकोबार द्वीप समूह क्षेत्र के उत्तरी भागों में। तो अभी चूंकि जब हम केरला की बात करते हैं कि सबसे पहले, तो आदर्श रूप में बताया जाता है 1 से 5 जून के बीच में। अभी क्योंकि हमें 15 जून तक की घटना की बात करनी है, इन घटनाओं के घटने के साथ साथ इस टाइम पर चूंकि हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि जो जेट स्ट्रीम है, ये जेट स्ट्रीम किधर हो चुका है, उत्तरायण हो चुका है। दूसरा, जो ITCZ है ये भारत के कहाँ आ चुका है, भारत के उत्तरी मैदानी प्रदेश में आ चुका है। तो इन सब का, और साथ ही साथ में इस समय सूर्यातप की प्राप्ति भी अधिक हो रही है, इन सब का सम्मिलित प्रभाव ये होता है, इनका सम्मिलित प्रभाव ये होता है कि उत्तर भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, या हम भारतीय क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी भाग में बोल सकते हैं कि आदर्श रूप में निम्न वायुदाब का विकास हो जाता है, लो प्रेशर का डेवलपमेंट हो जाता है, और वायुदाब पेटियों का स्थानांतरण उत्तरायण हुआ है। तो दक्षिणी गोलार्ध से जो चलने वाली व्यापारिक पवने हैं ये विषुवत रेखा को पार कर चुकी हैं, और यहाँ पर वायु के अवतलन के कारण यहाँ पर बनने लगा धीरे 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 हाई प्रेशर। अब यहाँ एक मामला और फंस गया कि अगर मेडागास्कर और आसपास के क्षेत्रों में वायु के अवतलन से उच्च वायुदाब का विकास हुआ है, तो इस उच्च वायुदाब की ओर पवने चल ही नहीं सकती। बात भी सही है, क्योंकि पवने हमेशा उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर चलती हैं। यहाँ उच्च वायुदाब का जो विकास हुआ वो पहले की तुलना में हुआ, लेकिन जब हम इसके और इन दोनों की तुलना करते हैं तो इस उच्च वायुदाब का प्रभाव अधिक है और इसकी तुलना में ये निम्न वायुदाब है, लेकिन ये जो उच्च वायुदाब बना ये इसकी तुलना में उच्च है। ये बात समझ में आ रही है हमें, ठीक है। तो इस लो प्रेशर की ओर अब पवने अट्रैक्ट होंगी, तो जैसे ही ये व्यापारिक पवने, ये हैं व्यापारिक पवने, और जैसे ही ये व्यापारिक पवने विषुवत रेखा को पार करती हैं, तो विषुवत रेखा को पार करने के स्थिति में यहां कोरियोलिस बल के प्रभावाधीन, कोरियोलिस बल के प्रभावाधीन इनकी जो दिशा है, ये दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है, और जैसे ही दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हुई तो यही जो व्यापारिक पवने हैं, इन व्यापारिक पवनों की या इनका परिवर्तन ये हो जाता है दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों के रूप में।
इसीलिए जब हम लोग किताबों को पढ़ते हैं तो किताबों में दो चीज़ें इनसे संबंधित मिलता है। पहला क्या कि तिब्बत को भारतीय मानसून का क्या कहते हैं, इंजन कहते हैं। तो तिब्बत प्लेट्यू जो है इसको भारतीय मानसून का इंजन कहते हैं, और जो दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवने हैं यही दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवने आगे चल करके इस 15 मार्च से 15 जून के बीच में विभिन्न भौगोलिक घटनाओं के कारण इन्हीं का रूपांतरण मानसूनी पवनों के रूप में हो जाता है। इस तरह से अगर हम देखें तो 15 मार्च से 15 जून के बीच घटनाएं घटित होते 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 और भारत में मानसूनी पवनों का प्रवेश हो जाता है। यहाँ जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया कि जो मानसूनी पवने हैं ये इंडिया में जो सबसे पहले प्रवेश करती हैं, ये प्रवेश करती हैं अंडमान निकोबार द्वीप समूह वाले एरिया में। तो हम ये बोल सकते हैं कि उपरोक्त, ऐसा हम उपरोक्त घटनाओं या प्रक्रियाओं के परिणाम स्वरूप व्यापारिक पवनों, और ये व्यापारिक पवनें कहाँ की, ये दक्षिणी गोलार्ध की, इन व्यापारिक पवनों का रूपांतरण मानसूनी पवनों के रूप में हो जाता है, जहां जहां भारत में मानसूनी पवने सर्वप्रथम अंडमान निकोबार द्वीप समूह में पहुंचती हैं, द्वीप समूह क्षेत्र में पहुंचती हैं, और इनका जो समय होता है ये लगभग मई के आखिरी सप्ताह में, जबकि भारत के मुख्य भूभाग में सर्वप्रथम केरल के तट पर। ठीक, ये कंडीशन हो गई कि इंडिया में जो मॉनसून विंड है वो पहुंच चुका है, और ये घटनाएं जो घटित होती हैं ये 1 से 5 जून के मध्य, कैसा, आदर्श दशा में। व्यवहार में तो लेट भी हो सकता है, विलंब हो सकता है, कई बार गैप जैसी कंडीशंस भी जनरेट हो जाती हैं, तो ये 1 से 5 जून के बीच में, और इस तरह से इंडिया में मॉनसून इंटर कर गया। अब हम लोगों को ये जान लेना है कि इन मॉनसूनी पवनों से जो वर्षा होती है क्या वो कुछ शाखाओं के द्वारा होती है या उप शाखाओं के द्वारा होती है, कब से कब तक होती है, जैसा डेट के हिसाब से हमने क्लासिफाई किया। तो ये सारी की सारी घटनाएं हमने देखा 15 मार्च से 15 जून के बीच की। तो नेक्स्ट हमें देखना है 15 जून से 15 सितंबर, और ये जो 15 जून से 15 सितंबर का समय होता है ये होता है बेसिकली मानसूनी वर्षा ऋतु होता है, और इस मानसूनी वर्षा ऋतु में जो मानसूनी पवने हैं या मानसूनी पवने ये दो शाखाओं के रूप में, देयर आर टू ब्रांचेस, इनकी दो शाखाएं होती हैं, एक तो अरब सागर की शाखा और एक होती है बंगाल के खाड़ी की शाखा। जो मानसूनी पवने हैं वो इंडिया में इन दो शाखाओं के रूप में प्रवेश करती हैं, अरब सागर की शाखा और बंगाल के खाड़ी की शाखा। जो अरब सागर की शाखा है ये पुनः
तीन उप शाखाएं हैं इसकी, तीन उप शाखाएं हैं। एक है पश्चिमी घाट की उपशाखा, एक है नर्मदा तापी की उपशाखा और एक है गुजरात के मैदान की उपशाखा। ये तीन ब्रांचेस के रूप में जो अरब सागर की शाखा है, ये तीन सब ब्रांचेस के रूप में, तीन उप शाखाओं के रूप में इंडिया में प्रवेश करती है। तो हम जब पश्चिमी घाट की उप शाखा की बात करते हैं तो इसे हम एक डायग्राम की मदद से समझ लें। अच्छा, वेस्टर्न घाट का जो विस्तार है ये गुजरात में है या नहीं? गुजरात में है, पूछा भी है। ये नर्मदा है और ये तापी, जैसे ही पूछा हुआ यूपीएससी ने प्रीलिम्स में पूछा हुआ है कि पश्चिमी घाट पर्वत का विस्तार कितने राज्यों में है, तो बहुत सारा लोग क्या कर दिया उसमें कि गुजरात को हटा दिया, जबकि गुजरात के दक्षिणी भाग में देखेंगे तो उसका विस्तार है कहाँ से कि तापी नदी के दक्षिण से लेकर के इसका विस्तार दक्षिण तक है। ये है पश्चिमी घाट पर्वत, पश्चिमी घाट पर्वत। और इस पश्चिमी घाट पर्वत की ओर आने वाली जो मानसूनी पवने हैं इन्हीं को बोलते हैं क्या? पश्चिमी घाट की उप शाखा, दे आर नोन एज सब ब्रांच ऑफ वेस्टर्न घाट्स। ये पश्चिमी घाट की उपशाखा के विषय में अब हम बोल सकते हैं कि चूंकि ये किसकी उपशाखा है? अरब सागर की शाखा की उपशाखा है, तो जाहिर सी बात है आर्द्रता भी कहां से ग्रहण करेगी? अरब सागर से ही ग्रहण करेगी। तो यह उपशाखा अरब सागर से आर्द्रता को ग्रहण करके दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर प्रवेश करती है। तो ये उपशाखा प्रायद्वीपीय भारत में पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल से टकराकर पर्वतीय संवहनीय मानसूनी वर्षा करती है। एक बात तो ये कि ये जो उपशाखा है ये पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल से टकराकर पर्वतीय संवहनीय मानसूनी वर्षा करती है। यहाँ एक बात हमें और जानना है कि ये जो उपशाखा है, एक तरफ में हम ऐसा मान लें ये अरब सागर है और ये वेस्टर्न घाट है, ये है पश्चिमी घाट और ये है अरेबियन सी, ये अरब सागर है। ये जो उपशाखा है ये इस अरब सागर से आर्द्रता को लेकर के आ रही है और ये है तटीय मैदान, ये तटीय मैदान। और इस तटीय मैदान में एक जगह है ए, एक जगह है बी और एक जगह है सी, ये तीन प्लेसेस हमने मान लिए। जो पश्चिमी घाट की उपशाखा है ये ए बी और सी में सबसे पहले कहाँ पहुँचेगी? सी में, उसके बाद बी में और उसके बाद ए में। होना तो ये चाहिए या हमें लग ऐसा भी सकता है कि जो सबसे ज़्यादा वर्षा होगी वो सी पर होगी, उससे कम बी पर होगी और सबसे कम ए पर होगी। अगर ऐसी धारणा मन में आ रही हो तो ऐसे गंदे विचार हमें त्याग देने होंगे। वजह यह है कि जब ही ये इस तटीय मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती हैं तो इनसे वर्षा की जो प्राप्ति होती है, ये वर्षा की प्राप्ति ए को सबसे अधिक, बी को उससे कम और सी को सबसे कम। जो सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ रेनफॉल होता है वो ए को होता है, ए को सर्वाधिक वर्षा की प्राप्ति, सर्वाधिक वर्षा की प्राप्ति होती है। इसका कारण क्या है? क्योंकि यह जो एरिया है ये कहाँ अवस्थित है? पर्वत पदीय क्षेत्र में
अवस्थित है, और पर्वत पदीय क्षेत्र का मतलब ये है कि वो पर्वतों के फूट रीजन में है, उसके जस्ट नीचे। तो जो पर्वतों के जस्ट नीचे वाला भाग होता है, जस्ट बगल वाला, उसी को फूट रीजन ऑफ माउंटेन या पर्वत पदीय प्रदेश कहा जाता है। और पर्वत पदीय प्रदेश में होने के कारण इससे फायदा इसको क्या मिल जाता है कि यहां अवरोध की उपस्थिति है। ये पर्वत ये अवरोध के रूप में काम करता है, एक बैरियर के रूप में काम करता है, और इस बैरियर के रूप में काम करने के कारण ही जो आर्द्र पवनें आती हैं उनसे निर्मित बादलों की सघनता अधिक हो जाने के कारण वर्षा की प्राप्ति भी अधिक होती है। तो इस उपशाखा में पहला तो ये कि ये तापी नदी के दक्षिण में विस्तृत जो पश्चिमी घाट पर्वत है इसके पश्चिम से आती हैं, ये अरब सागर से आर्द्रता को ग्रहण करके दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर अग्रसर होती हैं, जहां पश्चिमी घाट पर्वत के पश्चिमी ढाल से टकराकर पर्वतीय संवहनीय वर्षा होती है। और इस पश्चिमी घाट पर्वत के जो पर्वत पदीय प्रदेश है, इस पर्वत पदीय प्रदेश में अवरोध का प्रभाव, इस पर्वत की वजह से अवरोध का प्रभाव सबसे अधिक होने के कारण यहाँ वर्षा की प्राप्ति सबसे अधिक होती है, जबकि जो सबसे तटीय प्रदेश है यहाँ पर वर्षा की प्राप्ति अपेक्षाकृत कम होती है। ठीक, अगला इसी में एक और मसला हमें समझ लेना है कि ये जो पश्चिमी घाट की उपशाखा है इससे जैसे जैसे ये पश्चिम से पूर्व की ओर अग्रसर होती है, हम पर्वत पदीय की बात नहीं कर रहे हैं, उससे आगे जैसे जैसे ये पश्चिम से पूर्व की ओर अग्रसर होती हैं, इनसे प्राप्त वर्षा की मात्रा में निरंतर कमी आती जाती है, और निरंतर कमी आती जाती है जहां ये पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्वी क्षेत्रों में, पश्चिमी घाट पर्वत के पूर्वी क्षेत्रों में इनसे वर्षा की प्राप्ति ये अत्यंत कम होती है, इसीलिए इसे वृष्टि छाया क्षेत्र कहते हैं। ये जो कांड कर रही हैं, ये सब कर रही हैं पश्चिमी घाट जो पर्वत की उपशाखा है ना। तो कई बार दो तरह का काम होता है, कुछ लोग काम करते हैं और कुछ लोग कांड करते हैं। चर्चा में वो नहीं होते जो काम करते हैं, चर्चा में वे होते हैं जो कांड करते हैं। चाहे अपने हनुमान जी महाराज को देख लें, मतलब ऐसा नहीं कि आप में से किसी को लगे कि धार्मिक भावना को हमारे भड़का रहे हैं, हम खुद उनके भक्त हैं, लेकिन इसलिए कह रहे हैं उनका देख लो, बालकांड, हालांकि श्री राम जी भी उसमें शामिल हैं, हनुमान जी ने कौन कांड किया, सुंदरकांड। अच्छा, ये जो हनुमान चालीसा तो पढ़ते ही होंगे, हनुमान चालीसे का एक ज्ञान है कि कुछ लोग उस ज्ञान को जो समझ गए ना वो लाइफ में बहुत खुश हो जाते हैं। हनुमान चालीसा पढ़ा होगा, तो बहुत लोग ये भी बताते हैं कि पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को अगर जानना है तो उसको समझ सकते हैं धार्मिक आधार पर, क्या है उसके लिए कोई, हाँ उसमें कहा गया जुग सहस्त्र योजन पर भानु, तो जुग सहस्त्र और योजन ये तीनों दूरी के मापन हैं, है ना, तो अगर इनको जोड़ लेंगे तो लगभग लगभग वही दूरी आ जाएगी। एक और हो सकता है आपके काम बात आ जाए, लेकिन थोड़ा समझ की बात है। आगे उसमें एक जगह एक लाइन और भी मिलता है कि छूटह बंदी महासुख होई, समझदार समझ गए होंगे, है ना, तो जो समझ गए उनको मुबारक हो, समझ गए ना, छूटह बंदी महासुख होई, बहरहाल है ना। जो हमने ये देखा कि ये जो अरब सागर की उपशाखा है ये तीन प्रकार की है या तीन उपशाखाओं में है, एक तो पश्चिमी घाट की उपशाखा जिसके विषय में हम लोग बात कर चुके हैं, नेक्स्ट हमें इस अरब सागर की शाखा में जो तीन उपशाखाएं हैं, जो उपशाखाएं हैं, इन उपशाखाओं में पहला क्या हमने देखा, पश्चिमी घाट की उपशाखा, दूसरा हमें जानना है इसमें हम लोग लिख चुके हैं इसको कि नर्मदा तापी की उपशाखा, एंड द लास्ट वन इज क्या था, गुजरात के
मैदान की उप शाखा, जो नर्मदा तापी की उपशाखा है, नाम से ही ऐसा बिल्कुल क्लियर है कि जो पश्चिमी घाट पर्वत यहाँ, यहाँ नर्मदा और यहाँ तापी, इधर हम मान ले रहे हैं हिमालया, यहाँ पे ये जो उपशाखा प्रवेश करती है इसी को बोलते हैं नर्मदा तापी की उपशाखा। और ये नर्मदा तापी की उपशाखा ये भारत में नर्मदा तापी नदी घाटियों से होते हुए पश्चिम से पूर्व की ओर अग्रसर होती हैं, जहां इसमें भी वही बात होगी कि जैसे जैसे ये पवने पश्चिम से पूर्व की ओर अग्रसर होंगी, इनसे प्राप्त वर्षा की मात्रा ये निरंतर कम होती जाएगी, क्योंकि वाष्पीकरण से जो जलवाष्प की प्राप्ति हो रही है वो जलवाष्प की प्राप्ति भी लगातार कम होती चली जाएगी, तो जाहिर सी बात है वर्षा की मात्रा भी कम होती चली जाएगी। जो गुजरात के मैदान की उपशाखा है, ये गुजरात के मैदान की उपशाखा, ये गुजरात के जो सौराष्ट्र वाला एरिया है, इस सौराष्ट्र वाले एरिया से ऐसे प्रवेश करती है, और यहाँ माउंटेन है एक अरावली, और ये अरावली का जो विस्तार है, इस अरावली का विस्तार ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है। ऐसे कंडीशन में यह जो उपशाखा है, यह उपशाखा ये अरावली पर्वत के समानांतर होकर उत्तर की ओर अग्रसर हो जाती है। अगर अरावली का विस्तार ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर ना हो करके पश्चिम पूर्व पूर्व पश्चिम ऐसा कर्वेचर के फॉर्म में होता तो ये अवरोध उत्पन्न करते तो इस क्षेत्र में वर्षा की प्राप्ति होने लगती या अधिक होती, लेकिन क्योंकि ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर है तो ये मानसूनी पवने इस अरावली पर्वत के पैरेलल होकर उत्तर की ओर निकल जाती हैं, और इसका परिणाम ये होता है कि अरावली पर्वतीय प्रदेश में या इसके निकटवर्ती प्रदेश में यहाँ वर्षा की प्राप्ति ये अत्यंत ही कम होती है, और यही कारण है कि अरावली के पश्चिमी क्षेत्रों में जो एवरेज एनुअल रेनफॉल है, औसत वार्षिक वर्षा, ये 25 सेंटीमीटर से कम होती है, और वो एरिया, वो चाहे उष्ण कटिबंध में हो या उपोष्ण या शीतोष्ण या शीत कटिबंधों में, किसी भी ऐसे क्षेत्र में जहाँ औसत वार्षिक वर्षा की प्राप्ति 25 सेंटीमीटर से कम होती है, ये आते हैं किसकी श्रेणी में, मरुस्थल की श्रेणी में आते हैं। एक तो ये बात हो गया, तो ये जो अरावली की अवस्थिति है, अरावली की अवस्थिति भी कहीं ना कहीं उत्तरदायी है राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्रों में मरुस्थलीय स्थलाकृति या संरचना के विस्तार के लिए। ये सारा का सारा जो है ये संबंधित है अरब सागर की शाखा से। नेक्स्ट हम लोगों को जो देखना है वो है हमारा बंगाल के खाड़ी की उपशाखा, बे ऑफ बंगाल सब ब्रांच। अरब सागर की जो उपशाखाएं हैं ये जहां तीन भागों में वर्गीकृत की गई, वहीं जो बंगाल के खाड़ी की उपशाखा है, जो बंगाल के खाड़ी की शाखा है, ये बंगाल के खाड़ी की शाखा को दो उपशाखाओं में वर्गीकृत किया गया, दो उपशाखाएं।
इन दो उपशाखाओं में एक है पूर्वी घाट या इसके लिए पूर्वी तटीय प्रदेश भी शब्द प्रयोग किया जाता है कि उपशाखा। और जो नेक्स्ट है ये है पूर्वोत्तर की उपशाखा। जो पूर्वी घाट की उपशाखा है ये पूर्वी घाट की उपशाखा ये पूर्वी तटीय प्रदेश में। यहाँ एक थोड़ा सा मसला हम लोग समझ लें कि जो दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवने हैं इन दक्षिण पश्चिम मानसूनी पवनों से इस तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में वर्षा नहीं होती। एक तो ये बात, दूसरा ये है कि ये जो उपशाखा है ये पूर्वी तटीय मैदान में ऐसा इंटर, हम इसको सीधा सीधा जैसा दिख भी रहा है कि यह उपशाखा ये भारत में पूर्वी तटीय मैदान से होते हुए पूर्व से पश्चिम की ओर अग्रसर होती है, जहां जैसे जैसे ये पवने पूर्व से पश्चिम की ओर जाती हैं इनसे प्राप्त वर्षा की मात्रा ये लगातार कम होती जाती है। इस तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में वर्षा ना होने के कारणों में एक तो कारण है यहाँ पर श्रीलंका की अवस्थिति। श्रीलंका में यहाँ बिल्कुल सेंटर वाला एरिया में, मिड वाले एरिया में देखेंगे वो पूरा का पूरा हिल एरिया है, वो पूरा का पूरा पर्वतीय भाग है। और यहाँ पर एक बड़ा ही प्रसिद्ध पर्वत है पिदुरा तालागाला, और ये चूंकि उच्च पर्वतीय भाग हैं तो यहाँ से ये जो मानसूनी पवने एंटर करेंगी एक तो इसके तटीय प्रदेश से टकराएंगी, तो जैसे ही क्योंकि स्थलीय द्वीपीय भाग है तो तट से टकराई ऊपर की ओर आई, एक तो इनसे मानसूनी वर्षा, जो कुछ आगे की ओर बढ़ी पता चला यहाँ पर हिल एरिया है पिदुरा तालागाला वाला एरिया है तो इससे और ऊपर गई तो यहाँ पर रेनफॉल हो गया। एक तो यहाँ श्रीलंका की अवस्थिति और दूसरा इसके कारण में एक तो ये है श्रीलंका की अवस्थिति और दूसरा है कि इन पवनों का अपने संवेग संरक्षण हेतु, इन पवनों को अपने संवेग को संरक्षित करना होता है और जब ये अपने मोशन को कंजर्व करना चाहते हैं तो ये एक वेलोसिटी के साथ एक तय वेग के साथ जब ही आगे बढ़ते हैं और मोड़ने के टाइम पर यह निश्चित है कि ये इस जगह को छोड़कर आगे की ओर बढ़ जाएंगे। बिल्कुल वैसे ही कि अगर कोई धावक हो वो दौड़ रहा हो और एक अपने वेलोसिटी में दौड़ रहा हो और यहाँ पर एक फ्लैग लगा दिया जाए और इसको कहा जाए कि अपनी वेलोसिटी को मेंटेन रखते हुए उस फ्लैग को आपको उठा लेना है, उस झंडे को उठा लेना है, वो कितना भी प्रयास करेगा अपने उस वेग को मेंटेन करते हुए उसको उठा नहीं सकता। इसी को बोलते हैं कि इस संवेग संरक्षण, या इसके लिए एक टर्म बेहतर यूज होगा, कोणीय संवेग के संरक्षण के हेतु ये पवने इन क्षेत्रों में प्रवेश ना करके आगे की ओर निकल जाते हैं। और जो पवने यहाँ पर आती हैं इनसे टकरा करके वर्षा कर देती हैं और तमिलनाडु के तटीय प्रदेश तक पहुँचते इनमें आर्द्रता की मात्रा लगभग समाप्त हो चुकी होती है। अगली जो उपशाखा है इसमें यह है पूर्वोत्तर की उपशाखा। ये पूर्वोत्तर की उपशाखा ये इंडिया में इस वाला रीजन में ये है पूर्वोत्तर की उपशाखा। अच्छा, एक और बात जो शायद मैं हर क्लास में इस बात को पूछता जरूर हूं, एक बार, बांग्लादेश का सबसे ऊंचा पर्वत या बांग्लादेश का सबसे ऊंचा पठार, हकीकत तो ये है कि ना तो बांग्लादेश के पास पर्वत है और ना ही बांग्लादेश के पास पठार है, यानी उच्चावच का अभाव है, वहाँ पर पूरा का पूरा मैदानी प्रदेश है। तो जब ही पूरा का पूरा ये बांग्लादेश यहीं पे पड़ेगा तो यहाँ ये जो बांग्लादेश है इस बांग्लादेश में
यहाँ अवरोध का अभाव है। तो अवरोध के अभाव का परिणाम ये होगा कि ये जो मॉनसूनी पवनें हैं ये इस बांग्लादेश से ऊपर आकर के इंडिया वाले रीजन्स में इंटर कर जाएंगी। तो इंडिया वाले रीजन में एक और बात हम देख लें कि ये जो हिमालय है ये यहाँ के साथ ऐसा मुड़ा हुआ है और इधर भी मुड़ा हुआ है, दोनों एरिया में। यहाँ जो भाग मुड़ा है इसको बोलते हैं तीक्ष्ण मोड़। इंग्लिश में इसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है सिंटैक्सियल बेंड। इंग्लिश में इसके लिए टर्म यूज़ किया जाता है सिंटैक्सियल बेंड। उधर में भी तीक्ष्ण मोड़ है और इधर वेस्ट में भी यहाँ पर एक तीक्ष्ण मोड़ है। और ये मानसूनी पवने जब यहाँ उत्तर की ओर आती हैं तो इन हिमालय पर्वत के दक्षिणी ढालों से टकरा करके वर्षा तो करती ही करती हैं, साथ ही यहाँ पर क्रिया प्रतिक्रिया का भी नियम लागू होता है कि अगर हम फैन को चला दें तो फैन आकर के हवा इससे टकराएगी और टकराने के साथ में वापस भी होगी, उसका वापस की ओर भी लौटना होगा। तो ये जो विंड्स आती हैं ये इस क्षेत्र में इस तीक्ष्ण मोड़ से टकरा कर इनकी दिशा ईस्ट टू वेस्ट भी हो जाती है, मतलब कि ये पूर्वोत्तर भारत में प्रवेश करके हिमालय पर्वत के दक्षिणी ढालों से टकरा करके वर्षा करती हैं, साथ ही साथ में इस सिंटैक्सियल बेंड या तीक्ष्ण मोड़ वाले एरिया में टकराने के साथ इनकी दिशा ईस्ट टू वेस्ट भी हो जाती। और ये चीज़ें आप देखेंगे कि किताबों में जाने की ज़रूरत नहीं कि ऐसा किसी आप पुस्तक में जाएं, किसी गाइड बुक में जाएं। अगर आप अटलस को देखेंगे तो अटलस में भी आपको ये डायग्राम मिल जाएगा कि आकर के सिंटैक्सियल बैंड से टकराना और टकरा करके ईस्ट टू वेस्ट की ओर मूव करना। एक तो ये घटना है, दूसरा इस पूर्वोत्तर की उपशाखा में जो सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है वो एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन है। फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन कि भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में सर्वाधिक वर्षा की प्राप्ति करने वाला स्थान है चेरापूंजी। इसके पहले था मौसिनराम, उसके पहले था चेरापूंजी। तो हम वापस लौटें, पहले था चेरापूंजी कई वर्षों तक, उसके बाद में बारी आई मौसिनराम की, और प्रेजेंट टाइम में फिर सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला जो स्थान है वो चेरापूंजी ही है। और ये चेरापूंजी अब हम इसी को समझ लें कि इस वाले एरिया में हम एक ऐसा डायग्राम बना लें, इसको ये बांग्लादेश वाला एरिया है और ये है वे पर्वत गारो खासी और जयंतिया मेघालय में। ठीक, ये गारो खासी और जयंतिया में जो खासी पर्वत है इसके पूर्वी ढाल पर एक स्थान है जिसका नाम है चेरापूंजी। वास्तव में इस चेरापूंजी और मौसिनराम के बीच में डिस्टेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा दूरी हो, 40-50 किलोमीटर से ज़्यादा इनके बीच की दूरी नहीं है। और ये जो तीनों पर्वत हैं गारो खासी और जयंतिया, इनकी विशेषता ये है कि ये कीपनुमा है। कीपनुमा का मतलब ये हुआ कि ये ऐसे पर्वत हैं जिनके आधार की चौड़ाई अपेक्षाकृत कम है जबकि सिरे की चौड़ाई अधिक है, मतलब दे लुक लाइक समथिंग ऐसा कुछ कुछ ऐसा। अब इस वाले एरिया में अगर ये विंड एंटर करेंगे तो विंड एंटर करेंगे जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ती जाएगी, और सापेक्षिक आर्द्रता बढ़ने के कारण ये जो क्लाउड्स बनेंगे जो बादल बनेंगे ये बादल इन पर्वतों के बीच में फंस जाएंगे। फंसने का मतलब ये है कि उनके पास में विस्तार के लिए एरिया है कम और लगातार क्योंकि जलवाष्प वहाँ पर पहुँच रहा है तो वहाँ पर जो बादल बनेंगे जो क्लाउड्स बनेंगे उन बादलों की सघनता होगी अधिक, और इन बादलों की सघनता अधिक होने के कारण इनसे प्राप्त वर्षा की मात्रा भी अधिक हो जाएगी। और इन्हीं कीपनुमा आकार होने का कारण ये है कि इस क्षेत्र में जो चेरापूंजी वाला रीजन है इसको वर्षा की प्राप्ति सबसे अधिक होती है। तो ये बात संबंधित है पूर्वोत्तर की उपशाखा से। हमने बात कर लिया कि 15 मार्च से 15 जून तक के बीच में क्या होता है और 15 जून से लेकर के 15 सितंबर तक कौन सी घटना घटती है। अगर हम लोग अपने आप उस साइक्लिक वाले प्रोसेस पे जाएं, वो जो चक्रीय माध्यम से हम लोगों ने समझा था, तो अगला जो हम लोगों का डेट के हिसाब से
बोले तो तारीख पे तारीख टाइप वाले हिसाब से अगला क्या हो जाएगा, 15 सितंबर से 15 दिसंबर। नेक्स्ट हमें ये देखना है 15 सितंबर से लेकर के 15 दिसंबर के बीच में। अब देखें वही कहानी जो पहले स्टार्ट हुई थी वही कहानी अब पलटना शुरू हो जाएगी। पहले हम लोगों ने देखा था कि सूर्य की लंबवत आभासी किरणों का स्थानांतरण ये विषुवत रेखा के उत्तरायण हो रहा था, लेकिन यहाँ पर अब क्या स्टार्ट होगा कि सूर्य की लंबवत आभासी किरणों का स्थानांतरण ये सीधा हम बोले किधर, दक्षिणायन। और हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि जो सूर्य की लंबवत आभासी किरणें हैं ये विषुवत रेखा पर एक तो 21 मार्च और एक 23 सितंबर। तो क्योंकि सितंबर हम 15 से बात कर रहे हैं तो 23 सितंबर के उपरांत हम बोल सकते हैं कि जहां 23 सितंबर के उपरांत ये लंबवत आभासी किरणें, लंबवत आभासी किरणें ये कहाँ पहुँच जाएंगी, ये विषुवत रेखा के दक्षिणायन हो जाएंगी। अब सारी चीज़ें पलटना स्टार्ट हो जाएंगी। इससे क्या, एक तो ITCZ का स्थानांतरण भी किधर, दक्षिणायन होगा, यानी अपने पूर्व की अवस्था में आने का प्रयास करेंगे। और उपोष्ण, उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम का स्थानांतरण भी दो कंडीशंस में, एक तो अपेक्षाकृत निम्न अक्षांशों की ओर और दूसरा अपेक्षाकृत निचले वायुमंडलीय प्रदेश की ओर या निचले वायुमंडलीय प्रदेश में। यहाँ पर एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन ये है कि इस विंटर्स के टाइम पर जो उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम है, ये उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट स्ट्रीम ये 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक, 20 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड तक इसका स्थानांतरण हो जाता है। यहाँ तक उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम का स्थानांतरण हो जाता है। एक तो यह बात हो गई कि इस 15 सितंबर से 15 दिसंबर के बीच में ITCZ दक्षिण की ओर, उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम का भी स्थानांतरण दक्षिण की ओर हो जाता है। और ऐसे कंडीशन में भारतीय उप महाद्वीप के तापमान में कमी के साथ उच्च वायुदाब का विकास हो जाता है। टेम्परेचर तो कम होगा ही होगा, साथ ही साथ में प्रेशर भी कॉन्टिन्यूसली बढ़ता चला जाएगा। और जबकि हिंद महासागर एवं निकटवर्ती प्रशांत महासागर क्षेत्र के सतह के तापमान में अपेक्षाकृत वृद्धि से निम्न वायुदाब का विकास हो जाएगा। अब ऐसे कंडीशन में इन सब का सम्मिलित प्रभाव, इन सब का जो सम्मिलित प्रभाव है, इनका सम्मिलित प्रभाव ये होगा कि जो मानसूनी पवने हैं, इन मानसूनी पवनों का लौटना
प्रारंभ हो जाएगा, जिसे एक टर्म यूज किया जाता है इसके लिए, मॉनसून का निवर्तन। और इस मॉनसून के निवर्तन को हम लोग एक डायग्राम की सहायता से देख लें। इसमें ये है कि ये जो मॉनसून विंड्स हैं, ये मॉनसून विंड्स, क्योंकि इस एरिया में हाई प्रेशर का डेवलपमेंट हो गया और इन क्षेत्रों में अपेक्षाकृत निम्न वायुदाब का विकास हो गया, तो अब पवने अपने इस उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर लौटना प्रारंभ कर देंगी। कहने का मतलब कि अब ये स्थलीय उच्च वायुदाब क्षेत्र से अपने निकटवर्ती जलीय निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर प्रवाहित होना स्टार्ट करेंगी, जहां कोरियोलिस बल के प्रभाव के कारण, यहां भी इस कोरियोलिस बल के प्रभावाधीन इनकी जो दिशा होगी, ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाएगी। इनका जो डायरेक्शन होगा ये नॉर्थ ईस्ट से साउथ वेस्ट की ओर हो जाएगा। और ये जो पवने हैं, ये पवने ये बंगाल की खाड़ी से, ये आर्द्रता ग्रहण करेंगी और इससे इनके द्वारा दो जगहों पर वर्षा होगी। एक तो अंडमान और निकोबार आइलैंड ग्रुप में वर्षा होगी और दूसरा इनसे तमिलनाडु के तटीय प्रदेश में। ऐसा कि एक तो इस वाले एरिया में इनसे रेनफॉल होगा और दूसरा तमिलनाडु के तटीय प्रदेश। अगर आप गाइड बुक्स को देखेंगे तो गाइड बुक्स में आपको मेंशन अंडमान निकोबार द्वीप समूह नहीं मिलता है, उसमें मेंशन होता है सिर्फ और सिर्फ तमिलनाडु का तटीय प्रदेश। लेकिन अगर आप इंडियन गवर्नमेंट का जो इंडिया ईयर बुक है उसमें देखेंगे तो वहाँ इस बात की चर्चा की जाती है या की गई है कि लौटते हुए मानसून से ना सिर्फ तमिलनाडु के तटीय प्रदेश बल्कि यहाँ अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप में भी रेनफॉल होता है। अब कुछ प्रारंभिक परीक्षा के लिए अगर हम लोग बात करें तो दो तीन तरह के प्रश्न ये इस वाले एरिया से कि लौटते हुए मानसून से कहाँ कहाँ पर रेनफॉल होता है। एक तो तमिलनाडु का तटीय प्रदेश और दूसरा अंडमान निकोबार आइलैंड ग्रुप। और एक बार यूपीएससी पूछ भी चुका है कि ये मानसूनी पवनों के जो आने का क्रम था वो ऐसा था और लौटने का क्रम ऐसा है। अगर हम इस आने और जाने के क्रम में देखें तो मानसूनी पवनें सबसे पहले दक्षिण भारत में पहुंची, उसके बाद लगातार उत्तर की ओर आती जा रही हैं, लेकिन लौटते टाइम पर इन्होंने सबसे पहले उत्तर भारत को छोड़ा। अगर ऐसे में हम देखें तो हम ये बोल सकते हैं कि भारत में दक्षिण से उत्तर की ओर जाने पर जो मानसूनी पवनें हैं, इन मानसूनी पवनों के आवर्त काल में कमी आती है। और जैसा हम लोग अभी बात किए हैं कुछ देर पहले कि अगर सिनेमा देख रहे हैं, गाना सुन रहे हैं, तो उससे भी बहुत चीज़ें क्लियर हो जा रही हैं। बॉलीवुड में एक गाना भी है कि देर से आना, कुछ शिकायत दर्ज किया गया ना किसी गाने में कि देर से आना जल्दी जाना साहब ये कोई अच्छी बात नहीं है। लेकिन सच्चाई यही है कि अगर देर से आए हैं तो जाना तो जल्दी होगा और जल्दी आए हैं तो जाना तो देर से होगा। तो भारत में वो क्षेत्र जहां मानसूनी पवनें सबसे पहले प्रवेश करती हैं वहां से लौटने में सबसे ज़्यादा समय लगाती हैं, तो इसीलिए दक्षिण से उत्तर जाने पर आवर्तकाल कम और उत्तर से दक्षिण की ओर जाने पर आवर्तकाल में वृद्धि होती है। यहाँ ये घटनाएँ जो हैं ये 15 सितंबर से 15 दिसंबर की हैं और इसके बाद में 15 दिसंबर से 15 मार्च। तो नेक्स्ट हम लोगों को 15 दिसंबर से 15 मार्च के बीच की अगर हम घटना देखें, इस 15 दिसंबर से 15 मार्च के भारत में ये जो समय है ये भारत में ये शीत
ऋतु का समय होता है, और इस शीत ऋतु के समय जहां इस समय में उपोष्ण पश्चिमी जेट स्ट्रीम का स्थानांतरण, जैसा अभी हम लोग बात कर भी चुके हैं, ये दक्षिणायन हो जाता है, ना सिर्फ दक्षिणायन होता है बल्कि अपेक्षाकृत निचले वायुमंडलीय प्रदेश में भी ये प्रवेश कर जाती हैं। यहाँ पर एक घटना, और जैसे हम लोग विंटर में बात करते हैं ना, तो हिंदी की पुस्तकों में सामान्यतः हो, चाहे गाइड बुक हो या कैसा भी, अभी जो दो दिन पहले रेनफॉल हुआ, अगर बोलिएगा बोलो बोलेगा कि ये पश्चिमी विक्षोभ से प्राप्त वर्षा है, वास्तव में ये टर्म ही गलत है। ये पश्चिमी विक्षोभ से प्राप्त वर्षा नहीं है, या विंटर्स में इस टाइम पर जो रेनफॉल होता है वो पश्चिमी विक्षोभ से नहीं होता, वो पश्चिमी विक्षोभ के रूप में होता है। इसीलिए इंग्लिश के बुक्स में देखेंगे तो वहां लिखता है इन द फॉर्म ऑफ वेस्टर्ली डिस्टर्बेंस। वजह क्या है ये हम समझ लें कि इस टाइम पर एक घटना ऐसा कि यूरोप, अफ्रीका, ऐसा यहां पर ये यूरोप कॉन्टिनेंट और ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इन दोनों के बीच में ये जो जलीय भाग है कौन सा, भूमध्य सागर। कई बार किताबों में इसके लिए एक और नाम मिलता है और वो है रूम सागर, है ना, भूमध्य सागर भी बोलते हैं, रूम सागर भी बोलते हैं, क्योंकि हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं, अगर आप देखेंगे बेसिक वाले में हमने बात किया है कि जो जेट स्ट्रीम का विकास होता है ये अपेक्षाकृत ठंडी और गर्म वायुराशियों के अभिसरण से होता है। यहाँ एक बात और कि खाना, मुझे लगता है हम लोग सभी जानते होंगे बनाना, और अगर हम लोग नहीं जान रहे हैं या आप नहीं जान रहे हैं तो उसको जानना भी ज़रूरी है, क्या कि पारिवारिक जीवन कई बार उससे आपका सुखमय हो सकता है। मान लें आप भविष्य में कभी ऐसी कंडीशन में हैं कि सामने वाला कोई नाराज है तो आप अपने हाथ से बना के खिला दो, हो सकता है उसके बाद नाराजगी दूर हो जाए, तो खाना बनाने आना चाहिए। या फिर बचपन में आपने हो सकता है कुछ ऐसा काम किया हो कि रोटी बनाया गया हो और रोटी बनाने के साथ जैसे ही ख़त्म हुआ तवे को चूल्हे से हटाया गया, तवा है बिल्कुल गर्म, तवा बिल्कुल गर्म है तो तवे से लगी हुई जो हवा होगी वो ठंडी होगी गर्म, वो भी गर्म होगी, ठीक है, तो तवा और तवे से लगी हुई हवा है गर्म, ठीक, और ऐसे में आपने क्या किया कि पानी का छींटा उस पर मारा। बचपन में मज़ा सिर्फ इसलिए आता था कि छन्न की आवाज़ होती थी, अगर आपका बचपन सामान्य गुजरा है तो आपने ये काम किया होगा, अगर बहुत वैज्ञानिक गुजारे हो अब तो फिर बात ही अलग है, तब तो बचपन में ही बुढ़ापा का लक्षण ले लिए थे, अगर जिसने ये सब काम नहीं किया वो बचपने में ही बुढ़ापे वाले लक्षण थे, तो अब समझ लगे जवानी में क्या लक्षण होंगे, सोचने वाला बात होगा। तो जो पानी का छींटा मारा गया उस पर, पानी की बूंदों से लगी हुई हवा इस गर्म तवे से लगी हुई हवा से ठंडी होगी, ठंडी होगी, तो हमने ध्यान दिया हो अगर तो इस तवे से छन्न की आवाज़ तो आएगी आएगी, साथ ही साथ में बड़ी तेजी से ऐसे वेपर रिलीज होता है, हवा बड़ी तेजी से रिलीज होती है, बेसिकली ऐसे ही जेट स्ट्रीम बनता है कि ठंडी और गर्म हवाएँ मिली और बड़ी तेजी से हवा रिलीज हुई, उसकी गति बड़ी तेज होती है। तो पहला तो ये हो गया कि ठंडी और गर्म हवाएं जब ही मिलेंगी तो उससे जेट धाराओं का निर्माण होगा। आपने ये भी गौर किया होगा कि इन घटनाओं के साथ साथ उस तवे पर एक पानी की बूंद बड़ी तेजी से इधर उधर इधर उधर तैरने लगती है, वो जो पानी की बूंद बनी वो वाष्पीकरण के कारण बनी, और उस पानी के बूंद के भीतर में गुप्त ऊष्मा भी अवस्थित है, और गुप्त ऊष्मा है तो उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, और टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो उसका प्रेशर क्या होगा, कम होगा, तो आसपास की जो ठंडी हवाएं उसमें घुसना चाहेंगी, उसमें प्रवेश करना चाहेंगी, और जब भी कहीं पर तापमान की अधिकता से निम्न वायुदाब बनता है और आसपास की हवाएं उसमें इंटर करना चाहती हैं, और वो अगर ऐसा क्षेत्र है जहां कोरियोलिस बल का प्रभाव शून्य से अधिक है तो प्रवेश करने वाली हवा सीधी ना प्रवेश करके कैसे चक्राकार, और इसी तरह के क्षेत्र को क्या बोलते हैं, चक्रवात बोलते हैं, बोलते हैं ना चक्रवात। तो अगर आप पढ़े लिखे वाले उसमें जाएं हम तो क्या बोला आता है
कि वह निम्न वायुदाब का केंद्र जो वृत्ताकार अंडाकार समदाब रेखाओं से घिरा हुआ हो, जहां अपेक्षाकृत उच्च वायुदाब से कोरियोलिस बल के प्रभावाधीन पवने चक्राकार मार्ग का अनुसरण करते हुए प्रवेश करती हैं। ये दो घटनाएं हमको पता चली, क्या कि अगर ठंडी और गर्म, अगर ठंडी और गर्म वायुराशियों का अभिसरण होगा तो एक तो बनेगी क्या जेट धारा, दूसरा इनके बीच में जहां ठंडी और गर्म हवाएं मिलेंगी एक संक्रमण क्षेत्र बनेगा और इसको बोलते हैं वाताग्र। इसी वाताग्र के सहारे बनता है चक्रवात जिसको बोलते हैं शीतोष्ण चक्रवात। और ये शीतोष्ण चक्रवात कैसे कि ये जो समदाब रेखा से घिरा या जो वाताग्र है वो कुछ ऐसा, और गर्म हवाएं ऊपर की ओर उठेंगी और ठंडी हवाएं इसमें ऐसा एंटर करने का प्रयास करेंगे, इसमें प्रवेश करेंगी कोरियोलिस बल के कारण ये चक्राकार मार्ग का अनुसरण करते हुए प्रवेश करेंगी। इस 15 दिसंबर से लेकर के 15 मार्च के बीच में कुछ कुछ यही कांड हो रहा होता है। एक तो इस भूमध्य सागरीय प्रदेश में यूरोप वाले एरिया से अपेक्षाकृत ठंडी हवाएं आती हैं और अफ्रीका कॉन्टिनेंट से होकर के ये अपेक्षाकृत गर्म हवाएं, और क्योंकि ये शीत ऋतु का समय है और इस टाइम पर जो क्षोभ मंडल की ऊंचाई है वो अधिक होगी या कम, शीत ऋतु के टाइम पर क्षोभ मंडल की ऊंचाई कम हो जाती है और इसकी ऊंचाई गर्मियों में बढ़ जाती है, इसीलिए क्षोभ मंडल को परिवर्तन मंडल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ पर जब ही ये ठंडी और अपेक्षाकृत गर्म वायुराशियों का अभिसरण होगा तो एक तो बनेगा यहाँ शीतोष्ण चक्रवात, एक तो बनेगा शीतोष्ण चक्रवात, और शीतोष्ण चक्रवात बनने के साथ साथ में ये जो पश्चिमी जेट धारा है ये पश्चिम से पूर्व की ओर अग्रसर होगी और ये अपने साथ इस शीतोष्ण चक्रवात को भी आगे बढ़ाएगी जो भारत में इस हिमालय के दक्षिणी ढाल, इसके दक्षिणी ढाल से टकरा कर वर्षा करेगी और इस प्रकार की वर्षा को ही हम ये बोल सकते हैं कि शीतोष्ण चक्रवात से पश्चिमी विक्षोभ के रूप में प्राप्त वर्षा। सामान्यतः किताबों में ये लिख दिया जाता है या क्लास में भी ऐसा हम लोग लिख लेते हैं कई बार कि पश्चिमी विक्षोभ से प्राप्त वर्षा, पश्चिमी विक्षोभ के रूप में प्राप्त वर्षा है लेकिन जो वर्षा की प्राप्ति हो रही है ये शीतोष्ण चक्रवात से। तो दो बातें यहाँ कन्फर्म हो गई, एक तो ये कि भारत में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों का प्रभाव पाए जाने के साथ साथ शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवातों का भी प्रभाव पाया जाता है और ये जो विंटर के टाइम पे वर्षा होती है किसके लिए बहुत अच्छी होती है, गेहूं, और गेहूं किसकी फसल है, रबी की। क्या सिर्फ गेहूं की फसल के लिए उपयोगी होती है, दिल्ली में हो इस टाइम पे रेनफॉल हो गया, शाम का टाइम है तो कुछ मन में आएगा ना कि आज जाते जाते कुछ ना कुछ तो घर पे लेके जाना ही जाना है, मतलब मित्रों को भी बुला लिया और बैठ गए, चल गई पार्टी, है ना। तो इसके बाद में फिर वही कंडीशन 15 मार्च से फिर वही। तो अगर हम देखें तो ये पूरा का पूरा जो चक्रवात है, जो मानसून है ये एक चक्रीय प्रक्रिया है कि 15 मार्च से लेकर के 15 जून, 15 जून से लेकर के 15 सितंबर, 15 सितंबर से लेकर के 15 दिसंबर और 15 दिसंबर से लेकर के पुनः 15 मार्च। तो ये पूरा का पूरा प्रोसेस ये पूरे वर्ष लगातार चलता रहता है और यही जो है मानसून की क्रियाविधि है। और अगर इसके क्रिटिक्स की बात करें, हम इसके आलोचना की बात करें, तो आलोचना में एक पॉइंट सीधा सीधा आता, हालांकि बहुत विस्तार पे तो अभी हम नहीं बात कर सकते क्रिटिक्स में, लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो मानसून पवनों की उत्पत्ति से संबंधित जेट स्ट्रीम सिद्धांत है ये आदर्श रूप है और
इसमें बहुत सारे परिवर्तनों के प्रभावों को शामिल नहीं किया गया। और सबसे मज़ेदार मसला ये होता है कि इसको लिखने के क्रम में, जैसे अगर हम लोग बात कर ले उस पर, हम लोगों ने शायद एक प्रश्न लिखा था, शायद एक बार हमने कोई प्रश्न लिखा था, और वो प्रश्न ये था कि मानसून की उत्पत्ति से संबंधित जेट स्ट्रीम सिद्धांत को, सिद्धांत पर चर्चा कीजिए। तो सीधा सीधा कि यहां पर आपको तापीय संकल्पना के विषय में कुछ नहीं बताना, सीधा जेट स्ट्रीम कॉन्सेप्ट पे ही आना है। और जेट स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट पर आने के साथ ये लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में एक बात जरूर बता देना है कि क्योंकि मानसूनी पवनों की उत्पत्ति का संबंध सतही एवं ऊपरी दोनों प्रकार के वायुमंडलीय परिसंचरण से है, अतः इसको समझने के लिए और अधिक अनुसंधान की आवश्यकता है। सीधा सीधा एक बात है ना, बाकी इससे संबंधित बहुत सारे अप्रोच हैं, एग्रीकल्चर से संबंधित अप्रोच है, एलनिनो से संबंधित अप्रोच है, या लानिनो से संबंधित अप्रोच है, या ह्यूमन बीइंग के अपने जो सोसाइटी हैं उससे भी संबंधित अप्रोच है। तो कई बार मानसून के टाइम पर अधिक वर्षा हो गई, अब पता न्यूज़ में बताने लगा कि मानसून के टाइम पे हुई अधिक वर्षा, जल निकासी का नहीं था प्रबंध, अमिताभ बच्चन के घुटनों तक भरा पानी। अब अमिताभ बच्चों के घुटने तक भरा पानी का मतलब सीधा समझ लो कि जब अमिताभ बच्चन साहब के घुटनों तक पानी भर गया है तो बाढ़ तो है ही है, क्योंकि शायद उनकी लंबाई बहुत ज़्यादा है, है ना। तो ये हम लोगों ने बात कर लिया इस मानसून पवनों की उत्पत्ति से संबंधित जो जेट स्ट्रीम सिद्धांत है उसकी क्रियाविधि, और हमने इसके पहले देख लिया था तापीय संकल्पना। बाकी जो इससे रिलेटेड अन्य मसले हैं वो हम लोग बात कर लेंगे। ये टॉपिक हम लोगों का अगर हम लोग प्रश्नों के आधार पे देखें तो उस प्रश्न के हिसाब से हमारा ये हो जाएगा। बाकी चलें, थैंक यू वेरी मच।